अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूअर्स के, किए हो ठीक है, हो खुश है हो। अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जबरदस्त। छापे थे जिंदगी में हाशिम भाई? बेहतर 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 सुठो सुठो। अॼुकल्ह त उहो ई सुठो सुठो थिए पियो। न्यूज़ असांखे मिलनि पियूं, ख़बर पए पई रातूं जेके निंडियूं आहिनि उहे ई कोन ग़ाइब थियूं आहिनि, हा न हाशिम भाई? हां वधी कुछ बुधायो बस एतरो काफी, एतरो ही काफी हो बस सुनान वान के सब खबर हुंदी त हाशिम भाई माशाल्लाह सा रोज रोज शोस ते वनन पते के निंड पूरी न पते असा थोड़ी था बुधायो हुए मां के खबर हुंदी है ना हाशिम भाई? मां कुछ चयो न न ता कुछ कोन चयो बिल्कुल खैर जी, जिंदगी में ये खूबसूरती होजन खपे, जिंदगी में ये इंसान बिजी रहन खपे, इंसान की खोड़ सारी शयूं जिंदगी में करन खपन, बिकॉज तॾहिं हिकु ज़िंदा इंसान जी जेका सुञाणप हूंदी आहे उहो थींदी आहे, चवंदा आहिनि हरकत में बरकत आहे, त व्हेनेवर समवन हू इज़ लिविंग ही और शी विल ऑलवेज ऑलवेज बी मूविंग समवेयर, ऐं उहा मूवमेंट अगरि सुठे जे लाइ थिए त जी छा ई ॻाल्हि आहे। अॼु असां बि सोचियो आहे त पंहिंजे प्रोग्राम जी जेका मूवमेंट आहे उहा कुझु सुठे जे तरफ़ खणी वञूं। अॼु असां बि सोचियो आहे त पंहिंजे प्रोग्राम खे कुझु उन्हनि ॻाल्हियुनि जी तरफ़ खणी वञूं जेके हिन वक़्तु शायदि असांजे मुआशिरे खे बहितर करे सघनि थियूं, या असांजे जेको जंहिं इन्वायरमेंट में असां रहूं पिया, जंहिं एरा में असां रहूं पिया, असांखे कुझु ॻाल्हियूं सम्झाए सघनि थियूं। वुमेन एम्पावरमेंट इज़ समथिंग जंहिं ते हर माण्हू ॻाल्हाईंदो आहे, दे आर सो मेनी वर्ड्स जेके हर माण्हू पंहिंजी ज़हनियत जे हिसाब सां रखंदो आहे इन टॉपिक ते, इन ॻाल्हि ते। वुमेन एम्पावरमेंट जॾहिं बि असां ॻाल्हि कयूं था, पीपल टेक इट एज़ टू वर्ड्स, but as I know this is itself a sentence or this is itself a story jeka ta maun de samo pesh kare sako tha hina waqt jade asa empowerment ji gal kayu tha ai asa pani surrounding me disu tha obviously taha hi ma ji agar kir karachi me rahe to kir hyderabad me rahe to kir islamabad me lahore me rahe to ta asa kisan ji surrounding me kafi sari ediyon aurtu nazar achan thiyun who are empowered who are already empowered ai galhan jo par un wand ahe बट समहाउ असां कंहिं तरीक़े सां असां ॿिनि कैटेगरीज़ में विरिहाइजी वेंदा आहियूं। दे आर फ्यू वुमेन्स हू आर यू नो एक्सट्रीमली हाईली एजुकेटेड, हू आर डूइंग वट एवर दे वॉन्ट, बट ऑन द अदर हैंड दे आर वुमेन जेके पंहिंजी मर्ज़ी सां पंहिंजी ज़िंदगी जो को फ़ैसिलो बि नथियूं करे सघनि। चवण जे लाइ शायदि कुझु माण्हुनि जे लाइ इहे अल्फाज़ ॾाढा अजीब हींअर फील थींदा हूंदा, ऐं जॾहिं मां बि इन्हनि ॻाल्हियुनि ते सर्वे कंदी आहियां, मां बि इन्हनि शयुनि खे पढ़णु शुरू कंदी आहियां, त ईअं लॻंदो आहे त शायदि को हिन दुनिया जी शइ ई न आहे, शायदि को हिन दुनिया जी ॻाल्हि ई न आहे जेका मूं वटि पई अचे। बट प्रैक्टिकली इन ब्लैक एंड वाइट्स इन प्रूफ्स दे आर प्रूफ्स जेके इन ॻाल्हि खे इन ॻाल्हि जी तस्दीक कनि थियूं दैट हींअर बि असां वटि हिकु वॾो तबिको आहे ख़वातीन जो हू आर नॉट एम्पावर्ड। जॾहिं असां पंहिंजी पॉपुलेशन ते नज़र विझूं था त असां वटि सभिनी खे जीअं ख़बर आहे, स्पेसिफिकली मां पंहिंजी कंट्री जी ॻाल्हि कयां, सभिनी खे जीअं ख़बर आहे त वी हैव मोर वुमेन्स देन मैन, असांजो हिकु 51% जेको हिसो आहे उहो औरतुनि जो आहे असांजी पॉपुलेशन में। बट वैन इट कम्स टू टू द जॉब्स, वैन इट्स कम टू द करियर, त असांजी जेका गवर्मेंट आहे उन सिर्फ़ 5% ही असांजी ख़वातीन खे जॻह ॾिनी आहे नौकरियुनि जे लाइ, एम्प्लॉयमेंट जे लाइ। सो दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस वेयर योर पॉपुलेशन इज़ 51%, बट यू आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट ओनली फॉर 5-6%। वरी अगरि असां अचूं था पंहिंजे उन कैलकुलेशन जी तरफ़, जिथे असांखे हमेशह घरनि में इहो नज़र ईंदो आहे त जी असांजे ॾाढी प्रॉपर्टी जो झगड़ो आहे, त हीअं झगड़ो आहे, हूअं झगड़ो आहे, असां हमेशह अहिड़नि शयुनि में उलझियल हूंदा आहियूं। But you have ever seen those houses jithe agar khuda na khasta father ka po father death thi vane ya jehe specific maanu je nale wo property on di death thi vane and after that unja jike siblings ahen unja jike baar ahen unni taraf jade achu tha utte unan ji kanunan shayad asa shayu bhi likhel ahen but unakha pehri unan ji will thal hundi jeh mein उहे माण्हू सिर्फ़ु उन घर जा जेके मेल मेंबर्स आहिनि, उन घर जा जेके भाउर आहिनि, उन घर जा जेके पुट आहिनि,
प्रॉपर्टी सिर्फ उन्हनि जे लाइ छॾे वेंदा। सो हिते जॾहिं रिकॉर्ड में इहे शयूं ॾिसजनि थियूं त वरी हिकु ॿी हैरत आहे जेका इंसान जे साम्हूं अचे थी, दैट वी हैव ओनली वन पर्सन ऑफ फैमिलीज़, वी हैव ओनली वन पर्सन ऑफ वुमेन्स, वी हैव ओनली वन पर्सन ऑफ सिटीज़, जंहिंमें असांजी जेके वुमेन्स आहिनि उन्हनि खे प्रॉपर्टी में हक़दार रखियो वञे थो। पर समहाउ असां, मूंखे लॻे थो असांजी जेका औरत आहे, समहाउ शी नोज़ हाउ टू सर्वाइव, समहाउ शी नोज़ हाउ टू टेक हर प्लेस, चाहे वो गवर्नेंस जी सतह त मिले न मिले, बट शी नोज़ हाउ टू टेक हर प्लेस। तॾहिं तव्हां डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशन्स में ॾिसंदो त तव्हांखे गवर्नमेंट न सही प्राइवेट इदारनि में तव्हांखे वुमेन्स लीड कंदे बि नज़र ईंदियूं। बट द स्टोरी नेवर एंड्स हियर। शायदि वॾनि इदारनि जी ॻाल्हि कयूं त ॾाढी सुठी शेप ई थिए, बट अगेन जीअं मूं चयो त हिकु ॿ वॾा डिफरेंसिस आहिनि असांजी ॿिनि औरतुनि में। हिकिड़ी उहा औरत जेके शहर में रहे थी, जेका कमाए बि थी, जेका लीड बि करे थी, जंहिंखे एम्पावर सां वुमेन बि चऊं था, ऐं हिकु उहा औरत जेका पंहिंजी मर्ज़ी सां पंहिंजी ज़िंदगी जो को फ़ैसिलो नथी करे सघे। सो विल लुक इन टू दैट पेज, जेका औरत पंहिंजी मर्ज़ी सां पंहिंजो फ़ैसिलो बि नथी करे सघे, जिथे उहे असांजा एरियाज़ जिते असांजी औरत खे उहो हक़ नथो ॾिनो वञे जो पंहिंजे हक़ जे लाइ ॻाल्हाए सघे, या इवन पंहिंजे हिते खोड़ सारियूं शयूं इन्वॉल्व थियनि थियूं, जंहिंमें मैरिजिस आहिनि, जंहिंमें चिल्ड्रन्स आहिनि, जंहिंमें एजुकेशन आहे, खोड़ सारियूं शयूं इन्वॉल्व थियनि थियूं, जंहिंजो फ़ैसिलो हिकु औरत पाण नथी करे सघे, न ई पंहिंजी औलाद जो फ़ैसिलो करे सघे थी। सो इन दिस शो, इन टुडेस शो, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल सच वुमेन्स, ऐं उन्हनि खे एम्पावरमेंट, हमेशह असां एम्पावरमेंट ते ॻाल्हाईंदा आहियूं, पर जॾहिं असां पंहिंजी सराउंडिंग में अहिड़ो को हैपनिंग न ॾिसंदा आहियूं त असांखे ईअं लॻंदो आहे त शायदि असांजी वुमेन एम्पावर थिए पई, हालांकि ईअं बिल्कुलु बि न आहे। But thanks to the government here, I want to appreciate that asanji jeka government ahe, theek a, it's 5 or 6%, but it is maksoos for women jeko peri na ho, so this is also a good step, but 5-6% thodo so na insafi a, but still employment jila ek mehdood kayo veo ahe, that is, you know, something good jinke asanke appreciate karan khape, but your number vadhan khape। अॼु प्रोग्राम में खोड़ सारियूं इन्हनि शयुनि ते ॻाल्हाईंदासीं, ऐं खोड़ सारे उन्हनि मसाइल ते ॻाल्हाईंदासीं, खोड़ सारनि उन्हनि सोल्यूशन्स ते ॻाल्हाईंदासीं जेके असांजी वुमेन खे एक्चुअली जंहिंखे एम्पावर करण जी ज़रूरत आहे उन्हनि जे हक़ में बहितर थिए। हाशिम भाई तरफ़ वञूं था, उन सभिनी खां पहिरीं हाशिम भाई, छा प्रोग्राम में असां शामिलु पिया कयूं? कुछ खड़ो है मार्केट में जी भोले मरियो तो बणाणी जानी तुझी जो मन जवानी दिसी तुझी जो बन जवानी दिसी, तो ले मरियो तो मन्या
आज मेरे जज्बाती गानों के अंजल आयो गाना अल्फाज कुछ सोचने में तो मरना तो मैंने वो मरे ना निंडो निंडो पूरी न होनी है तो मानों की याद घनी इंडिया मानों जी ये चवन्ना है खबर नहीं मुझे सब भी हुआ अच्छा ताँ याद कराइंदा है मानों के ये गाना गाए गए टाइम या ब्रेक जो ताँ से मुलाकात के इंदा नंदी कमेशन ब्रेक अप हुए जी वेलकम बैक मेहमान अस गन मेहमान जो तारीफ़ कराण शुरू क्यों था कचहरी में उन भी शामिल कदी उन भी व्यूज से वी छो तो हमेशा इन गाल बिलीव कह सल्यूशन तहां के मिले न मिले बट उन बारे पर मसाइल के बारे में गल जरूर खपे छो तो न खबर होंगी केडी मल कें जहन में का अड़ी गाल अची वे जी सामू वाले जिला मुफीद साबित थे असावट जी मेहमान वेठा उन्होंने तारीफ़ कराया थी प्रोग्राम में सभी का पे सगत जी तस्वर मलिक साहिबा से सगत तशरीफ़ फरमा पान जी सोशल एक्टिविस्ट बट एक जबरदस्त बिजनेस संभाले रही वो बिजनेस जो सेल प्रॉपर्टीज से थोड़ा सो रिलेटेड है उनका अलावा जी इमिग्रेशन की अवेयरनेस है उनकी जी असिस्टेंस है उन में कम कदी रही अस्सलाम वालेकुम वालेकुम कि ठीक है खुश आयो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक तबीयत ठीक है जी बिल्कुल बड़े कपड़े बड़े प्यारे पहने हुए आपने सबसे पहले मेरी नज़र आपके कपड़ों पर बड़े खूबसूरत लग रहे हैं थैंक यू ये खुद अपनी क्रिएशन थी या बस गए और रेडीमेड खरीद लिया नहीं नहीं अपनी क्रिएशन थी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा इसके बारे में हम जरा तफसील से बात करेंगे कि ये क्रिएशन बनी कैसे अच्छा जी इनसे अगर ब्यास ने मेहमान तशरीफ़ फरमा उन्होंने जो भी प्रोग्राम में तारुफ रखना सर एक अड़ी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा जी पाण मोटिवेशनल स्पीकर तो ही पर हमेशा चवंदी आया तो मोटिवेशन बेन के लिए पर जिंदगी में जितना कुछ कम किया है जितना कुछ कम कर रही असानी औरतन के लिए जितना कुछ कम कर रही वो पंजे पाण में एक पंजो मिसाल है हेल्थ अवेयरनेस हमेशा डींदे असं नजर इंदी लाइव टीवी शोज में रेडियो में हमेशा अस किथे न किथे हेल्थ के हवाले से गलाइंदे नजर इंदी न्यूरोलॉजी से ताल्लुक रखन थी मोहतरमा पाण खोर सारियों उ इंजरीज जी स्पोर्ट्स के करी या जी डिफरेंट इन तरीके जो इंजरीज हैं उन हमेशा कम कदी रही कम कर गो गुद सेखारी रही सगर शबाना नाज साहब तशरीफ़ फरमा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कि ठीक है खुश आयो जी बिल्कुल ठीक तबीयत ठीक है जी अल्लाह का जिंदगी की भी गुजरे अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी गुजर रही है और क्योंकि एज अ डॉक्टर हम लोगों का काम है दूसरों को खुशियां देना तो हमें जिंदगी हमारी जब ही अच्छी गुजर रही होती है जब हमारे से रिलेटेड लोग खुश होते हैं हमारा पाकिस्तान खुश होता है माशाल्लाह जबरदस्त वो मुझे लगता है आपके यंग रहने का राज भी है ये डॉक्टर साहब मैं यंग हूँ यंग मतलब रह रही है ना यंग मेरा कहने का मतलब ये था कि आप यंग रह रही हैं आपको जब भी देखे आप ऐसी ही नजर आती है जी बस आप लोगों की मोहब्बत है और देखने वाले की आंख होती है अच्छा जी ना तरफ एक ब्याह में हमारे साथ गड्ढा है उन्होंने जो भी तारुफ कराया था प्रोग्राम में जनाब पाण जी सीनियर वाइस प्रेजिडेंट आए स्टूडेंट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी जमात इस्लामी यूथ डिस्ट्रिक्ट मलीरजा सगत जी जनाब नवीद कादिर साहब तशरीफ़ फरमा आहिनि पॉलिटिक्स में जी तारुफ़ में जनाब जी पॉलिटिक्स अंदर में भी जनाब जी पॉलिटिक्स आया अल्फाजन में भी पॉलिटिक्स आया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम की हो ठीक है हो खुश है हो शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक हूं आप कैसे हैं ठीक है शुक्र अल्लाह जिंदगी सच्ची पे गुजरे अल्लाह का बड़ा करम है माशाल्लाह ये जो गेटअप ये बड़ा कम नजर आता है नवीद साहब बस इसका कोई खास रीजन इसका खास रीजन ये है कि ये गेटअप हम अमूमन करते हैं क्योंकि हमारी कौम को कौम की पहचान है ये माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त बड़ी खूबसूरत है मुझे लगता है कि हर हर गेटअप बड़ा अपने अंदर अपने आप में ही बड़ा खूबसूरत होता है जब आप उसको देखते हैं लेकिन बस बराए मेहरबानी उन तमाम लोगों से मैं बोलूँगी जो मिक्स
वो चीज़ें लेके चलते हैं ना, वो बड़ी ऑड हो जाती है। मुझे लगता है हर कल्चर का अपना एक रंग है, और वो जब सेपरेटली नज़र आते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम किसी और गेटअप में और ऊपर से हमने ज़बरदस्ती की अजरक पहन ली, तो वो मुझे बड़ा लगता है ज़रा मिक्स एंड मैच कभी कभी बुरा हो जाता है। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो इंसान का कल्चर होता है, जिस कौम का होता है, उसको प्रमोट करना चाहिए। कौम तो सारी अपनी है ना, मैं तो कपड़ों की बात करी, मुझे कौम परस्त ना बनाए प्लीज आप। कौमें सारी अपनी है, मैं डिजाइनिंग स्पेसिफिकली डिजाइनिंग पे बात कर रही हूँ। मेरी लाइफ इसी तरह मैं करता हूँ, ड्रेसिंग करता हूं। लेकिन बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी अच्छी। कभी जिंदगी में मौका मिला किसी कैरेक्टर में, इत्तेफाक है कि मैंने ये इस तरह का गेटअप नहीं किया, बाकी तो सारे गेटअप किए, ये वाला क्यों नहीं किया? ये मैं तमाम अपने डायरेक्टर से मुखातिब होकर मैं बोलना चाहती हूँ, ये मैंने क्यों नहीं किया था। कभी जिंदगी में दोबारा सोचा कि एक्टिंग करने का, तो फिर देख लेंगे, शायद कभी ऐसा कोई रोल मिल जाए जिसमें हम इस तरह का गेटअप कर ले। आई जी, आपके कपड़ों पर आज सुबह सुबह बात ही गेटअप पर स्टार्ट हुई है, ये इतनी खूबसूरत, ये डिजाइनिंग के जो आपके अंदर असरात थे कि बस हो गया है दुनिया में? नहीं, असरात नहीं थे, मैंने बाकायदा ट्रेनिंग ली है और मैंने बाकायदा शॉर्ट कोर्सेस किए हैं डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि मैं इस चीज़ को एज अ बिजनेस नहीं ला सकी, लेकिन अब ये है कि बीइंग अ कंसल्टेंट, इमिग्रेशन कंसल्टेंट, टाइम नहीं मिलता, तो सिर्फ ये तजुर्बे अपने ऊपर करती हूँ, और इन द मीन टाइम मैं कैलीग्राफी ज्वेलरी भी डिज़ाइन करती हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। कलमा के हिसाब से आजकल आपको मार्केट में काफ़ी इन नज़र आएगी ये चीज़, तो वो मैं डिज़ाइन करती हूँ, तो वो मेरा कारीगर फिर बना के देता है, तो मैं वो सेट्स बनाती हूँ डिज़ाइन करके। बाकी ये है कि जो फील्ड मैंने चूज़ की और जिसको मैंने प्रोफेशनली एथिक्स यूज़ करके जिसको अपनाया, उससे मुझे टाइम नहीं मिल पाता, वो बहुत हेक्टिक काम है। सही, ये दो राहें होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक आपका दिल कर रहा होता है कुछ करने का, एक आपको समहाउ किसी तरह आप किसी और ट्रैक पे चले जाते हैं और आप वो काम कर रहे होते हैं, और आप नहीं समझ पाते कि जो आपको अच्छा लगता है वो आपको ऐसा लगता है कि आप बड़ा अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो कहीं बन नहीं पा रहा होता किसी रीज़न की वजह से। लेकिन जो खुदा की तरफ से आपके लिए ट्रैक सेलेक्ट किया हुआ होता है ना, वो फिर बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, और फिर आपको फिर उसी ट्रैक पर चलना पड़ता है। तो ये हमेशा मैं इस बात पर बिलीव करती हूँ कि देखें जी, दो फैसले होते हैं, एक ज़िंदगी का फैसला जो आप करते हैं, एक जो आपकी ज़िंदगी में लिख दिया गया खुदा की तरफ से, और ज़ाहिर है फिर जब खुदा की बात आती है तो सबसे बेहतर फैसला करने वाला वही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पैशन जब पीछे छूटते हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए, शौकिया आप बिल्कुल करें, लेकिन जो आपके पास है, जो नेमत आपको मिली हुई है, उसको बड़ी खूबसूरती से आप चलाएं, क्योंकि वो खुदा की तरफ से गिफ्ट होता है आपके लिए। ऐसा मुझे फील होता है। आपकी तरफ आएंगे शबाना साहिबा, और आपसे ज़रा पूछेंगे कि किस तरह काम चल रहा है। आप तो माशाल्लाह हमेशा मसरूफ़ नज़र आ रही होती हैं, कहीं ना कहीं दिख जाती हैं, कहीं ना कहीं घूमते घूमते, कैसे क्या क्या चल रहा है ज़िंदगी में? अच्छा चल रहा है। अभी आप लोग जो डिस्कस कर रहे थे, इसमें एक बात मैंने कहीं सुनी, उसमें बहुत सारे चीज़ें आपकी दस्तरस में होती हैं, बहुत सारे फैसले, लेकिन आपके इख्तियार में नहीं होते। नहीं होते बिल्कुल, इसी तरह से, क्योंकि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे लिए डिसाइड की हुई हैं, वो हम वही करते हैं। अब जैसे हम लोग जिस फील्ड में हैं, मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा यही कहती हूँ कि हम वो अल्लाह के सिलेक्टेड लोग हैं जो अल्लाह ताला ने इस चीज़ के लिए सिलेक्ट किए कि हम लोगों की खिदमत करें, मसीहाई करें। तो बात वही है कि अगर सभी लोग डॉक्टर बन जाते हैं तो बाकी लोग क्या करते हैं? अल्लाह ताला ने सबको सिलेक्ट किया हुआ एक प्रोपोर्शन में कि आपने इस प्रोपोर्शन के लोग जो हैं वो, और जो लोग कर सकते हैं, जो लोग जो काम कर सकते हैं, जिनके अंदर जितनी पेशेंस है, जितना हार्डवर्क, किसी अब जैसे जो डिज़ाइनर्स हैं उनका पैशन उसके उसी में वो इतना हार्डवर्क कर सकते हैं। डॉक्टर बनने के लिए भी आपके अंदर पैशन होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, क्योंकि आप कितनी तरह के लोगों से मिलते हैं उसी तरह से आपने जो है उनको ट्रीट करना है। और ज़िंदगी में जो चल रहा है वो ये है कि मैं बहुत सारे अभी हम लोगों के वर्कशॉप्स हैं जिसमें हम ऑल ओवर द पाकिस्तान मेडिकल स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स इंजरीज और जितनी भी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, यूके एफिलेशन है मेरा, इसे यूके सर्टिफाइड हूँ, डायनेमिक कपिंग जो नई रिसर्च बेस्ड वेस्टर्न जो हुजामा की मॉडिफाइड फॉर्म है उसमें जी, भी स्पोर्ट्स इंजरी, ड्राई नीडलिंग, के टेपिंग, जो कि के टेपिंग स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत होती है लेकिन हमारे पाकिस्तान में इतनी एप्लीकेबल नहीं थी। अब हम लोग अपने पेशेंट्स के लिए अपने डॉक्टर्स को इसमें भी ट्रेन कर रहे हैं। उसके अलावा जो है स्पाइनल मैनिपुलेशन, मैनुअल थेरेपी,
जो बहुत ज्यादा आज करीन है, जैसे आपने देखा होगा पहले सिर्फ कायरोप्रैक्टिशनर थे, कड़ाके निकालते थे ना, इसी तरह की अब और मॉडिफाइड फॉर्म्स आ गई हैं जिसको हम मोबिलाइजेशन भी कहते हैं, मैनुअल थेरेपी भी कहते हैं, जो कि यूके सर्टिफिकेशन है, वहाँ से हमने कोर्सेज किए हैं, और अपने पाकिस्तान में जो दूसरे डॉक्टर्स हैं उनको जो है वो मैं सिखाती हूँ, वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ, अभी संडे को भी मेरा वर्कशॉप है जिसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान। और दूसरी चीज़ ये है जी कि सबसे बड़ी जो खुशी की बात इस दफ़ा मुझे हुई वो ये हुई कि चाइना जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, पाक चाइना दोस्ती, उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया हमारे उन नामवर शख्सियात जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए बहुत काम कर रहे हैं। जब आपका नाम पाकिस्तान से जुड़ जाता है पाकिस्तान की किसी वजह से, और फिर उसमें मतलब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उसमें हुई। वैसे तो मेरे कैनेडा ऑस्ट्रेलिया हर जगह से आते हैं मेरे, लेकिन उन्होंने हमें सेलेक्ट किया उन शख्सियात जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, और चाइना में उनको इंट्रोड्यूस कराया गया नामवर के नाम से। बस इसी तरह काम चल रहा है हमारा, हार्डवर्क चल रहा है। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट सबसे पहले, और ये वाकई में ये फीलिंग ही अलग होती है कि आपने ज़रूर कुछ किया है तभी मुल्क के नाम के साथ आपका exactly, इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात कोई नहीं है। बिल्कुल, और एज अ पाकिस्तानी आपको कहा जा रहा है कि वो लोग जो पाकिस्तान में, और नामवर के नाम से उनका है, तो ये बातें होती हैं कि आप जब आप पहचाने किससे जाते हैं, अपनी डिग्री से नहीं, अपने मुल्क से पहचाने जाते हैं, अपने पाकिस्तान से पहचाने जाते हैं। और जाहिर है अब हम यहाँ सिंध से काम कर रहे हैं, हम सिंध से पहचाने जाते हैं, सिंध की बेटी कहलाती हूँ और पूरे मुल्क की बेटी। तो ये है कि आपको एक फ़ख्र महसूस होता है उस वक़्त जब आप अपने मुल्क से जुड़े हुए होते हैं। अकेले तो हर कोई नाम कमा लेता है, हमें बहुत ऑफर्स हुई अमेरिका में, कनाडा में जॉब्स की, डॉक्टर्स को होती हैं जाहिर है आप करते हैं, लेकिन बात सिर्फ यही है कि आप अपने मुल्क में रहते हुए अपने मुल्क को बाहर आप इंट्रोड्यूस कराएं अपनी, ये सब अहम चीज है। और ये जो फील है मुझे लगता है ये हर पाकिस्तानी में होनी चाहिए, बिकॉज कहते हैं ना मुश्किलें हर इंसान के ऊपर आती हैं, हर मुल्क के ऊपर आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों को देख कर घर में जब भी कोई मसले होते हैं, मसले देख के इंसान घर नहीं छोड़ता, इंसान उसी घर में रहता है और उसके मसले हल करने की कोशिश करता है। तो मुल्क भी अपना घर है, अपने घर में लेके मसाइल अगर हल करेंगे तो शायद बेहतर होगा, ना ही कि 7-7.5 लाख यूथ को बाहर भेज दिया जाए कि जी आप जाएँ, आप बाहर जाके नौकरी करें, दूसरों की मुलाजमत करें, बजाय जाए आप अपने मुल्क में नौकर बने। खैर जी, हेना तरफ जी अचुन तौर नवीद साहब, आपसे ज़रा पूछना चाहूँगी कि आप, क्योंकि अब स्पेसिफिकली हम मसाइल पे बात कर रहे हैं, तो ज़रा इस तरफ के मसाइल भी जानना चाहूँगी कि क्या लोगों में मसाइल देखते हैं आप, क्या लोगों में इश्यूज़ देखते हैं आप जिनको हमें एड्रेस करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आवाज़ टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और हमें बुलाया इस प्रोग्राम में। नहीं, बड़ा शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला और आप आए। कराची पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, मगर कराची के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी हुई है। कराची की आप रोडों की हालत देख लें, कराची में आप डकैतियाँ देख लें, कराची में आप मंशात देख लें, ये रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। नवीद साहब वापस आते हैं, आपकी बात कंटिन्यू करेंगे, पहले टाइम किया ब्रेक जो तहाँ से मुलाकात की था नंदी कमर्शियल ब्रेक हम हुए। जी वेलकम बैक, ऐं कंटिन्यू कयूं था पंहिंजी ॻाल्हि खे, ऐं उन्हनि मसाइल जे बारे में स्पेसिफिकली असां एड्रेस करणु चाहियूं पिया, ऐं उन खां पोइ पंहिंजे उन्हनि ख़वातीन जे मसलनि खे बि असां एड्रेस कंदासीं जंहिंजी ॻाल्हि असां प्रोग्राम जे स्टार्टिंग में स्टार्ट कई आहे। आप कुझु बता रहे थे, कराची को अगर संवारना है तो हाफिज़ नईम रहमान को लाना है। हम इसलिए कहते हैं कि बलदियाती इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि बलदियाती इलेक्शन होंगे, हाफिज़ नईम रहमान मेयर आएगा तो कराची बचेगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह खैर करेंगे, अल्लाह मियां हमारे मुल्क को, हमारे शहर को हमेशा सलामत रखे। लेकिन वाकई में ये एक बड़ा एक तल्ख हकीकत है कि जितनी डकैतियाँ यहाँ देखी जाती हैं वो पाकिस्तान के किसी और शहर में उस तरीके से नहीं देखी जाती। और वाकई में आज कल ये बड़े बहुत भारी अल्फाज हैं, पर ज़ाहिरा जॾहिं हक़ीक़त साम्हूं अची थी त इंसान जी ज़ुबान ते उहे अल्फाज अची था वञनि, त वाकई में शायदि इंसान जी ज़िंदगी एतिरी सस्ती थी वई आहे जंहिंजी क़ीमत सिर्फ़ मोबाइल, हिकु अंगूठी ऐं शायदि
कुछ रुपया आहिनि शायदि ज़िंदगी जी क़ीमत हाणे इहा वञी बची आहे पर ख़ैर जी हमेशह चवंदा आहिनि त ख़ैर जी दुआ कजे हमेशह ख़ैर लाइ सोचजे त थी सघे थो सुभाणे जेको सिज निकिरे उहो अहिड़ो अचे जेको ख़ैर खणी अचे ऐं उहे जेके सिज जूं किरणूं सुभाणे असांजे मुल्क ते पवनि शायदि उहे ख़ैर सां गॾु पवनि शायदि उहा ख़ैर जी दुआ खणी आई पोइ पवनि इंसानु दुआ ई करे सघे थो ज़ाहिर ऐं जेके माण्हू रिस्पॉन्सिबल आहिनि या जेके माण्हू रिस्पॉन्सिबिलिटी नथा निभाइनि उन्हनि खे उन्हनि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी यादि ई कराए सघिजे थी ॿियो इंसानु छा थो करे सघिजे अचो था असीं थोरो पंहिंजी उन गुफ़्तगू जी तरफ़ जंहिं तरफ़ मां अॼोके प्रोग्राम जो रुख खणी वञणु चाहियां थी त असांजी जेका औरत आहे असांजी जेका उहा औरत जंहिंखे असां इम्पावर करण जे लाइ जंहिंजे नाले ते असां पाण त इम्पावर थी वियासीं पर उहा औरत किथे पोयां रहिजी वई आहे उहा औरत उते ई आहे उन ई औरत खे एड्रेस करे करे असां पंहिंजी उन्हनि औरतुनि खे जेके असांजी स्पेसिफिकली उहे औरतूं जेके शहरनि में रहनि थियूं जिनखे पढ़णु लिखण जी इजाज़त आहे जिनखे पंहिंजी ज़िंदगी जा फ़ैसिला करण जी इजाज़त आहे उन्हनि खे त असां इम्पावरमेंट खां इम्पावरमेंट त मूंखे लॻे थो हाणे नंढो अल्फाज़ आहे उनखे शायदि मथे सां पहुचाए छॾियो आहे बट जिन ते इशारा करे करे असां इम्पावरमेंट जो नालो खयो हो उहा औरत अॼु बि उते ई आहे उहा औरत अॼु बि मसलनि में आहे ज़रा आते हम अपने उन औरतों की तरफ जो गांव देहात में इस वक्त रह रही हैं जो मसले वो फेस कर रही हैं जो चीज़ें वो देख रही हैं किस तरह से देखती हैं आप हम बड़ा एम्पावरमेंट के नारे बड़े हम बड़े शौक़ से लगाते हैं बड़ा कभी भी ऐसी कोई कोई गैदरिंग होती है तो हम फौरन खड़े हो जाते हैं हम बात करते हैं लेकिन बड़ा कम नज़र आया है कि हम लोग जाके उस औरत से पूछें कि उनका क्या मसाइल है हम अपने मसाइल तो बोल जाते हैं हमें बोलना आते हैं हम लड़ जाते हैं हम छीन लेते हैं लेकिन उनके बारे में हम नहीं सोचते तो उनके क्या मसाइल आप देखती हैं और किस तरह समझती हैं कि उनको एड्रेस करना चाहिए उनको लाना चाहिए मार्केट में मैं जो सबसे पहली बात जो मैं महसूस करती हूँ और जो मैं करना चाहती हूँ और इंशाल्लाह इन फ्यूचर कुछ अच्छे लोगों का साथ मेरे साथ भी है तो उनके साथ रहा तो मैं इस चीज़ को सबसे पहले आगे लाऊँगी कि ख़वातीन को बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए बेसिक एजुकेशन होगी तो वो उनके अंदर की हेजिटेशन ख़त्म होगी उनके अंदर जो खौफ है वो ख़त्म होगा बाकी गैजेट्स चलाना आजकल हर औरत को आता है इवन मैंने गांव देहात की भी औरतों को देखा है कि वो मोबाइल ऑपरेट कर लेती हैं अच्छा मैं आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि मेरा ख़ुद सर्वे किया हुआ है इस बात पर मैं डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हूँ तो थोड़ा बहुत सर्वे मेरा भी किया हुआ है आप यकीन माने बड़ा झटका लगता है जब पता चलता है कि वो औरत जो इतने खूबसूरत कपड़े बना रही है वो औरत जो बच्चे भी संभाल रही है घर का काम भी कर रही है मियाँ को भी देख रही है उसके बावजूद वो रिलियाँ भी बना रही है तो कपड़े भी बना रही है तो एप्लिक का काम भी कर रही है हर चीज़ में बहुत अच्छी है लेकिन जब बात की जाती है उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की तो बीच में घर का कोई मर्द आ जाता है और फ़ोन सिर्फ उसी के पास होता है और उस औरत को ना इजाज़त होती है ना उस औरत को मोबाइल चलाना आता है ये मेरी आंखों देखी बात है ये मेरा खुद सर्वे किया हुआ है ये किसी की बात सुनी भी मैं आपको नहीं बता रही तो ये चीज़ें देख के मुझे बड़ा झटका लगता है कि हमारा वाकई में परसेप्शन यही है कि नहीं आजकल ऐसा कोई औरत नहीं है जिसके पास आजकल फ़ोन ना हो आजकल ऐसी कोई औरत नहीं है जिसको इतनी कोई आज़ादी ना हो लेकिन आज भी हमारे गाँव देहात में हमारे छोटे छोटे गाँवों में ऐसी औरत बैठी हुई है जी इसी के लिए मैं आपसे कह रही हूँ बेसिक एजुकेशन हम जो इन शॉर्ट आपने कहा ना कि हम जो झंडा डंडा लेके निकल जाते हैं कि जी एम्पावरमेंट वेमेन एम्पावरमेंट जी बिल्कुल उस एम्पावरमेंट उस औरत को देनी है जो गांव के उस छोटे से खत्ते में बैठी है जिसके अंदर एक वर्किंग वोमेन जितनी जो है वो टैलेंट मौजूद है बिल्कुल उस टैलेंट को हंट करना है उसको ग्रूम करना है और उसको दुनिया के आगे रिप्रेजेंट करना है तो जिस तरह हम बच्चे को प्ले ग्रुप से ला के कायदा ही पढ़ाते हैं ना कायदे के बाद ही हम मैट्रिक की किताब तक लेके जाते हैं या डायरेक्टली तो हम नहीं उसे मैट्रिक का एजुकेशन देते तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ख़वातीन में तालीम को आम करें जब वो तालीम से सिक्योर होगी तो फिर उसे अपने घर में मौजूद मर्द से इंतहाई एहतराम के साथ ये कहना भी आएगा कि ये गैजेट आप मुझे दो ताकि मैं अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सको तो यानी लुबे लुबाब ये है कि सबसे पहले आप हमारी ख़वातीन को तालीम के जेवर से आरास्ता करें
सही, ये बड़ी अच्छी बात आपने की और एहतराम का आपने अल्फाज आपने शामिल किया, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी क्योंकि हम जब भी ऐसी बात करने जाते हैं जज्बाती तो होती है ना औरतें, फिर जज्बाती हो जाती हैं, फिर कभी कभी कोई तल्ख अल्फाज भी इस्तेमाल कर लेती हैं, तो ये एम्पावरमेंट का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप घरों में जाके मर्दों से बदतमीज़ी करें या आप अपने वर्क इन्वायरमेंट में जाके अपना जो है वो एम्पावरमेंट का झंडा लेके आप जाएँ और आप बोलें कि जी मुझसे बड़ा तो कोई नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। और हमेशा जब भी एम्पावरमेंट की बात आई है तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम बराबरी से ऊपर नहीं गए, हमने ये नहीं कहा कि हमें आप ख़ुद से बेहतर बनाएं, हमने सिर्फ ये कहा है कि हमारी उन औरतों को जो इस सब जो सुख हैं जो हम देख रहे हैं और वो नहीं देख सकती, उनको कम से कम अपनी बराबरी तक लाएं, आप ज़्यादा ना लाएं उनको लेकिन अपनी बराबरी तक लाएं। आपकी तरफ आते हैं डॉक्टर शबाना, आपसे ज़रा मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या किस तरह इस सारी चीज़ों को आप देखती हैं, किस तरह मुआशरे की उस औरत पे आप नज़र डालती हैं? जैसे आपने बात की अभी मैविश के बराबरी की, असल में बात ये होती है कि बात कहने का तरीका और प्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट होता है। आजकल जो औरत की हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, यहाँ बराबरी बराबरी की बात की जाती है, एक दूसरे का कंपटीशन आ गया है। कंपटीशन आप ये देखें जो आजकल हमारे यहाँ टीवी शोज़ देख लें या कहीं पर भी जो बात की जाती है उसमें ये मर्द की बराबरी नहीं करनी हमें। अगर औरत को राइट्स दिलाने हैं तो उसके बेसिक राइट्स दिलाएं। आप उसको मर्द से कम, अल्लाह ताला ने मर्द को कवाम बनाया है, वो तो इस्लाम में उसका रुतबा अलग है। आप मर्द के करीब और उससे ऊंचा होने की कोशिश जब करते हैं ना तो वहां मर्द की अना आ जाती है। आप मर्द से कंपटीशन ना करें, आप मर्द को भी अपनी वैल्यूज बताएं। अब आप ये देखें कि बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है, मीडिया का बहुत रोल है इसमें। मीडिया जैसे अब हम हैं, आप लोग हैं, अब जैसे पर्सनली जाना मतलब एक एक आदमी के पास बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मीडिया एक इतना बड़ा टूल है हमारे लिए कि अगर टीवी है वो कितनी औरतें देखती हैं, हर घर में होता है, गरीब लोग भी हैं कुछ भी है, टीवी है, रेडियो है, ये सारी चीज़ें, यूट्यूब सब। तो अगर आप एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं तो आप देखें कितनी औरतें देखेंगी, कितने मर्द देखेंगे, जिसमें आप देखें, आपने मेरी बात, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, अगर आप मुझे लेट डाउन करके बात करेंगी मैं आपकी बात अच्छी बात भी नहीं सुनूंगी। बात है तरीके की। अब हमारा जहाँ तक मेडिकल से ताल्लुक है, आप ये देखें हमारे मेडिकल में हम लोग जाते हैं, बहुत सारे इंटीरियर में कैंप्स, मेडिकल कैंप्स लगते हैं, बड़ी तादाद में मर्द अपनी औरतों को लेके आते हैं जिनको बीमारियां हैं, जिन्हें प्रॉब्लम है। पहले तो ये कहा जाता था ना कि वहां पे औरतों को इलाज की सहूलत नहीं दी जाती। अपने तौर पर गवर्नमेंट ने कितने प्राइमरी जो है मेडिकल सेंटर्स खोले हुए हैं, प्राइमरी केयर के कितनी जगह जगह खुल गए, जिसमें बहुत सारे आप वहाँ के डॉक्टर्स को जाके देखें कितनी बड़ी तादाद में फीमेल पेशेंट्स होती हैं। अब वो फीमेल पेशेंट अपनी मर्जी से नहीं आती, उनको अवेयरनेस दी गई, उनके मर्दों को अवेयरनेस दी गई। बात है कि आप अगर एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आप उसका कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया है। आपने मर्द को नीचे करके औरत को ऊपर करने का करेंगे तो मर्द कभी भी इजाजत नहीं देगा। हर औरत के पीछे मर्द का हाथ है। आप यहाँ बैठी हैं, आपके पीछे आपके हस्बैंड का हाथ है, आपके फादर का हाथ है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड का, मेरे फादर का हाथ है। औरत को कॉन्फिडेंस देने में, औरत को आगे लाने में मर्द की सपोर्ट बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप मर्द को लेट डाउन करके करेंगे, असल में हमारे यहाँ ना, मैं जो देखती हूँ, मेरा पब्लिक रिलेशनिंग से ताल्लुक है, सारा दिन हम लोग रहते हैं, गवर्नमेंट में भी हैं हम, तो मैं ये देखती हूँ कि जो बयान करने का तरीका है ना उससे चिढ़ जाता है, मर्द भी चिढ़ जाता है, औरत भी चिढ़ जाती है। तो अब मेडिकल कॉलेजेस में देखें कितनी लड़कियां हैं जो इंटीरियर से आती हैं, हमारे मेडिकल कॉलेजेस में देखें, जिना में देखें, सिविल में देखें, आप सारी लड़कियां जो हैं वो आती हैं, वो रिप्रेजेंटर हैं अपनी जैसे इंटीरियर के इलाकों की। अब वो लड़कियां अगर अच्छी पोस्ट पे जाती हैं, उनके फादर ने, पेरेंट्स ने, फैमिली ने भेजा है, अब वो जा रही हैं, रिप्रेजेंटर हैं वो यहाँ की, जब वो जाएंगी वापस अपने गाँव में तो वो उस गाँव को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो उसमें फिर वो अपने गाँव के लोगों को बहुत अच्छे से औरतों के हकूक़ के लिए लड़ सकती हैं, कि वो बता सकती हैं कि मैं भी एक औरत हूँ, मैं देखो आज बोते पे पहुंची हूं, मैं फीमेल का इलाज कर रही हूं, लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। तो तरीका थोड़ा सा होना चाहिए। अब जैसे भाई बात कर रहे थे ना पाकिस्तान दिवालिया, जब मैं ये वर्ड सुनती हूँ ना, आप यकीन करें मेरा दिल एकदम डूब जाता है, अल्लाह ना करे, मतलब जाहिर है हालात ऐसे हैं। तो अक्सर लोग हमसे यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप लोग, मैं जाहिर है हमारा आर्मी से भी ताल्लुक है, तो हमारे फादर आर्मी में थे, तो हम लोगों को ना अपने मुल्क का जब सुनते हैं ना कोई चीज़ के वो किसी तरफ जा रहा है तो एकदम से ऐसा लगता है कि हम खत्म हो रहे हैं, ये होता मुल्क है। नहीं खत्म हो रहा, हम खत्म हो जाएंगे अगर मुल्क को कुछ हुआ तो। और मैंने तभी अपनी गुफ्तगू में ये अल्फाज का मैंने शुमार किया था कि इंसान जब जज्बाती होता है, इंसान अल्फाज का चुनाव
नहीं कर पाता कभी कभार, जज्बात में आप ऐसे तलख अल्फाज बोल जाते हैं जो दूसरे को खटकते हैं। बिल्कुल, तो ये वाकई सच है। और ज़ाहिर है इंसान, जब आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस सोच का मालिक हो सकता है जो ऐसे अल्फाज हम इस्तेमाल करें। लेकिन ज़ाहिर है जब आप इंसान देखते हैं ये चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आपसे ये अल्फाज हालात ऐसे जा रहे हैं ना, वो बिल्कुल लेकिन इनका शुमार हो ही जाता है। लेकिन हमेशा मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान के लिए हम कहें कि पाकिस्तान ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान तो बड़ा खूबसूरत था, पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान को तो बड़ा खूबसूरत दिया गया हमें, चीज़ें तो बाद में हुई हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान तो ऐसा ना था। तो मैं भी शायद हर मुल्क में हो रहा है, हर मुल्क में सब कुछ होता है, हमारे मुल्क में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट होती हैं, हर मुल्क में होता है, किस मुल्क में नहीं होता, चोरियाँ डकैतियाँ सारा करप्शन, आप बड़े बड़े कंट्रीज़ में भी देख लें। अब ये और बात है कि हमारे यहाँ हाईलाइट बुरी चीज़ों को किया जाता है, अच्छी चीज़ों को कम किया जाता है, तो हम जैसे कहते हैं, लेकिन हमें अपनी शख्सियत एक नहीं रखनी कि अगर ये डिज़ाइनर हैं, आप एक होस्ट हैं, मैं डॉक्टर हूँ, तो हम अपने आप को सिर्फ यही समझें कि जो चीज़ मेरे हिस्से में आएगी एज अ डॉक्टर तो मैं करूंगी। मैं हमेशा यही कहती हूँ हर प्रोग्राम में, मजदूर भी हम इसके, दहकान भी हम इसके, अल्लाह की रजा से हैं निगहबान भी हम इसके, ये मुल्क हमारा है, अगर वक्त पड़े तो हम इसके मजदूर बन जाए, वक्त पड़े दहकान बन जाए, हमें इसको बचाना है किसी भी तरह, बातों के बगैर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और हम वैसे ही बातों के शेर, हम बातों के शेर हैं, हम बातों में बड़े बड़े अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन मतलब डॉक्टर साहब के कहने का मतलब ये है कि हम स्पेसिफिकली एक प्रोफेशन को तो लीड कर रहे हैं, लेकिन अगर वक्त पड़े तो हमें एम्पावरमेंट से रिलेटेड चीज़ों को भी देख लेना चाहिए। अगर हम कहीं ख़ुद कोई चीज़ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करवाते हैं और हमारे करने से वो सामने वाला सीख जाता है, तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब हमें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जो कुछ करना है वो हम करें, हम ये ना सोचें कि जी मैं तो बाई प्रोफेशन ये हूँ, मैं आगे कुछ कर नहीं सकती, लिमिटेशन खत्म कर दें, लिमिटेशन खत्म कर दें। अच्छा, बातों की शेर हमने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था, ये वहाँ पहुंची नहीं अभी तक, हम कहीं और पहुंच गए थे, वापस आ जाते हैं अपने प्रोग्राम में, तो ये हम तो वहाँ पहुंच गए थे, आप तो पॉलिटिक्स से ताल्लुक है आपका, आपको तो आप तो समझ गए इनके तरफ ज्यादा सही इशारा किया होगा। खैर जी, लेकिन जरा आते हैं हम अपनी उसी खवातीन की उस उन मसाइल पे जो आजकल की हमारी जो गाँव देहात की औरत है वो फेस कर रही है, वो देख रही है। अच्छा, जब बराबरी का अल्फाज शबाना साहिबा जब स्टार्ट, जब शुमार होता है आपकी गुफ्तगू में, तो बराबरी का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप जी कहें कि जी अब अगर आप कहीं, आपके पास जैसे हम लोग जिस तरह से हम लोग आते हैं, हमारी जो सारी चीज़ें, हमारी सबसे मेन जो चीज़ जो ख़वातीन को जो सबसे ज़्यादा पीछे किया जाता है, एजुकेशन तो है ही है, उसमें ज़ाहिर है हम जब तक बराबरी नहीं देंगे तब तक बात नहीं बनेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि घर का मर्द है तो घर का बेटा है तो उसको पीएचडी कराओ, लेकिन बेटी है वो ज़्यादा पढ़ सकती है लेकिन उसको मैट्रिक करा के बिठा दो। तो यहाँ कहीं कहीं आपको बराबरी की मांग करनी पड़ती है, फिर आप आ जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो जो एक रिस्पेक्ट का जो फैक्टर है उसका होना बड़ा ज़रूरी है। यही मैंने बात पहले भी कही कि हम यहाँ बिल्कुल ये पोर्ट्रे नहीं कर रहे इसको कि जी हमारे जितने भी हमारे मुल्क के मर्द हैं वो बड़े ज़ालिम हैं या बड़े बुरे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम या आप जो देख रहे हैं वो वहाँ बैठे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं आपकी दुनिया में आपकी आपके जो इन्वायरमेंट है कहीं ना कहीं आपके पास वो पॉजिटिव मर्द हैं जिनकी जिनकी सपोर्ट से आप यहाँ बैठे हुए हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर कोई ये नारा लगाता है कि जी मर्द की सपोर्ट के बिना आप दुनिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बात यहाँ लूप में लेके चलूंगी, आखिर मजाजी खुदा कहा क्यों गया, तो बात बनवाने के भी तरीके होते हैं ना, अल्लाह को भी राजी करने के लिए क्या है, आंख में आंसू नहीं आ रहे हैं तो गिड़गिड़ाइए, गिरिया उजारी कीजिए, तो आप घर में आपकी ही हुकूमत चलती है क्योंकि आप हर चीज पे छाए हुए होते हैं। बट ये है कि हमारे मुल्क से जो है ना वो हमारे अंदर से बेसिकली, मुल्क की तो बात नहीं हो रही, मतलब फीमेल के अंदर से जो ना लैक ऑफ पेशेंस हो गया और स्टबन हो गए हम लोग, तो वो ये समझते हैं हर बात को मसला कश्मीर बना लेते हैं। अगर हम चाहें तो अल्फाज अंदाज और गुफ्तगू का स्टाइल हम उसको चेंज करके भी अपने बहुत सारे मराद हासिल कर सकते हैं। और ये तरबियत हमारी गांव देहात की औरतों को देना चाहिए, मैं तो समझती हूँ इस तरह की मोटिवेशनल स्पीचेस वहाँ होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह हम, और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ जाके आप गांव के किसी स्पेसिफिक ब्रेक पर जा रहे हैं हमें, लेकिन बात ऐसी हो रही है कि किसी स्पेसिफिक एक बड़ी जगह पे आप चले जाएं,
अब वो बेचारी औरत जिसको जिसके पास हाथ में मोबाइल नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि कोई ऐसी स्पीचेस हो रही है कुछ, उसको क्या पता या उसका मर्द कहाँ इजाज़त देगा उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो घरों में जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, अब वो टाइम आ गया कि हमें घरों में जाकर दरवाजे पर। मीडिया इसीलिए है ना, टीवी चल रहा है आपको बहुत, साहब मैंने वो घर भी देखे जहाँ टीवी नहीं है, जहाँ जहाँ गोश्त गोश्त का कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं। ब्रेक जी नाजिन टाइम पे ब्रेक जो तहसब लगा के इतना ब्रेक अप हुए। जी वेलकम बैक, आई वापस अटेंड साई मचाए थे हाशिम भाई तरफ वनी। हाशिम भाई निंड्रो विंड्रो तो कौन आई विच में गालियों गालियों कुछ अड़ियों थी पे करे करे मानू कुछ इतनी सीरियस गालियों कंदो आ जो बराबर में मुंह खड़े सुना था मानू आराम सा आराम में होदन कौन वे वने थोड़ी देर का पोस था के मौके ना सीन जी जानू जरा पलके तो उठा जानू सुन जरा।
वाह जी जबरदस्त। नहीं सब कहाँ खोए हुए थे आप? कौन किसी जानू का चेहरा तो नहीं आ गया था जहन में? नहीं नहीं आजकल जानू नाम भी होता है ना, मैं लड़की का थोड़ी ना बोला। आजकल जानू जानू ये नाम आपने सुना है? सुमर आचर हमारे के कमाल करते यार, सुमर आचर पता नहीं जानू जानू ये नाम देखिए हमारे कैसे कैसे होते हैं, बड़े खूबसूरत नाम है लेकिन बड़ा, क्योंकि हम यूज्ड टू शायद नहीं है वो चीज़ें सुनने के, तो कभी कभी ऐसे नाम सुन के बड़ा अजीब लगता है। अब आप सोचें कोई आपके आपके कंपनी का कोई बॉस हो उसका नाम जानू हो कैसे जरा सोच के इमेजिन करें, जरा लेना तो पड़ेगा ले तो लेंगे बस सामने वाले बस रात अच्छे हो जाए बस। लेकिन ये बड़ी खूबसूरत ये चीज़ें होती है और बड़ी प्यारी लगती है कभी कभी ऐसा होता है तो, और बड़ी क्यूट चीज़ें लगती हैं। निक नेम जो होते हैं ना वो जिंदगी का निचोड़ होते हैं। अब मेरा निक नेम, वैसे मेरा नाम कितना पठानों का नाम है तो वो ज़्यादातर लोग मुझे समझते हैं कि मैं आदमी हूँ, तस्वुर नाम पठानों में मर्दों में होता है जी। लेकिन जो मेरा निक नेम है वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही छोटा सा, डॉली। डॉली ओह जबरदस्त क्यूट। आप शबाना साहब निक नेम किसने रखा? जी शानी बोलते हैं, मेरे हस्बैंड ने रखा है वैसे तो शबाना नाज, वैसे शादी से पहले शबाना ही था जी। किसी ने हिम्मत नहीं की नाम चेंज करने की, ये सिर्फ हस्बैंड ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर्स का ये होता है अपना पूरा नाम लेते हैं, है ना इत्तेफाक। ऐसे आपने देखा होगा कभी किसी डॉक्टर को निक नेम से नहीं पुकारा जाता, बल्कि जितना बड़ा नाम होता है उतना ज्यादा इम्प्रेशन अच्छा, इतना ज्यादा इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। आपका छोटा वोटा नाम किसी ने सोच के रखा, कोई ऑल्टरनेट नाम? कभी भी नहीं, वो नवीद ही थे जी। नवीद बचपन से, कभी स्कूल में दोस्तों ने भी नहीं रखा? नहीं। ये तो यार बड़े अच्छे, क्योंकि हमारे तो फ्रेंड्स कितने नाम रखते थे बिला वजह के। हाँ बुरे नाम ज्यादा रखते हैं लोग। हाँ दुबला हो तो आपके दुबले होने पे रखते हैं, मोटे हो तो मोटे होने पे रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैंने देखा लोग किसी हाल में खुश नहीं है, नहीं किसी कुछ कुछ कर ले, आप अब मोटे हो जाए, अब पतले हो जाए, अब काले हो जाए, अब गोरे हो जाए, अब लंबे हो जाए, छोटे हो जाए, लोग किसी हाल में खुश नहीं है किसी हाल। और परफेक्ट फिगर मुझे लगते हैं लोगों के जहनों में कोई है नहीं, हर किसी की अपनी परफेक्ट फिगर है। खैर जी तभी कहते हैं कि इंसान जो खुद है खुद को देख के खुश होना चाहिए, ना ही कि लोगों को खुश करना चाहिए। आपकी तरफ आते जरा नवीद साहब, जरा आपसे जरा मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी खवातीन के जितने मसले मसाइल हैं आप कैसे देखते हैं उन मसलों को? हमारी खवातीन के बहुत ज़्यादा ही मसले मसाइल हैं और आपको पता है गाँव देहात में किस तरह के मामले चल रहे होते हैं, खवातीन को आज़ादी नहीं दी जाती और कराची में तो फिर भी नॉर्मल थोड़ा सा सिस्टम ठीक है बस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यहाँ आपने जरा गांव देहात की बात की तो मुझे एक बात ज़रा याद आई, जब आप ब्लैक एंड वाइट में ये चीज़ें देखते हैं तो आपको बड़ा बड़ा झटका लगता है कि हमारे यहाँ, कहीं पढ़ा मैंने कि हमारे यहाँ सिर्फ 1-2% वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी खवातीन के लिए छोड़ी गई हैं, बाकी हमारी जितनी फैमिलीज हैं उनके बाद उनकी प्रॉपर्टी के जो मालिक होते हैं वो उनके बेटे होते हैं या भाई होते हैं। ये कॉन्सेप्ट किस तरह देखते हैं आप? बस ये एक सिस्टम चलते आ रहा है शुरू से और इसी तरह चलेगा आगे, अल्लाह बेहतर करेगा। और जो है ना बहन का हक होता है और मगर हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो उस हक को नहीं देते जी, और ये देना चाहिए बिल्कुल, इस्लाम में भी जायज़ है कि ये हक देना चाहिए बिल्कुल। और ये बड़ा मुझे तो इन बातों पे कभी कभी पढ़ती हूँ तो मुझे वाकई में यकीन ही नहीं आता, जैसे वही कि आज तक यही जहन में था कि ऐसा हो नहीं सकता कि कहीं टीवी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि कहीं खाना टाइम पे खाने नहीं, लेकिन ड्यूरिंग द कोविड ये चीज़ हाँ। मेरी पर्सनल नॉलेज में आई है कि अभी भी सिंध अंदरूने सिंध के कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ टीवी नहीं जानते वो, जहाँ कोई गैजेट इलेक्ट्रॉनिक नहीं जानते, इवन उनके यहाँ जब गोश्त प्रोवाइड किया गया तो दे नेवर नोज हाउ टू कुक एंड हाउ टू ईट। ओफ ओफ ये हालात उन्होंने पूरी जिंदगी साग पर ही गुजारी है। ये हालात इंसान सोच के हिल जाता है और ये कोविड में ये बातें जो है ना वो आपके सामने आई हैं, आपके नॉलेज में आई हैं। हम तो ये समझ रहे थे कि हमारे जो जो हमने लिस्टिंग में नाम पढ़े हैं तो वो हम समझते हैं कि वही गांव है, नहीं कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां अभी भी जिंदगी तरसती है अपने रंग दिखाने के लिए, जहां मगरिब की अजान के साथ अंधेरा घरों में आ जाता है, जहां अभी भी लालटेन की रोशनी में कढ़ाई करती है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे होता है उसकी कढ़ाई की हुई चीज़ को लाके हम
महंगे दामों में बेचते हैं, उसकी उजरत उस तक नहीं पहुंच रही, नहीं हमें उन खवातीन के लिए काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें आज बैग उठाना है, जॉगर्स पहनने हैं और इंडिविजुअली लोगों के घरों में जाके दस्तक लगा के उनकी कहानी सुननी है। यहाँ कुर्सियों पर बैठ के एयर कंडीशन रूम से कुछ नहीं हो सकता। बेशक ऐसे ही। अच्छा, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि हमारे पास, क्योंकि ये कुछ साल पहले अचानक से एक हमारी ख़वातीन को बड़ा जज्बा जागा था, बड़ी अच्छी बात है अपनी बहनों के लिए, अपनी हमसाइयों के लिए आपको जज्बा जागना चाहिए, तो उसके पीछे बड़ी NGOs भी बनी थी, बड़े लोगों ने काम किए थे, आप गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट ने बड़े काम किए थे, तो चलो हम तो कहते हैं ना, हमने तो कुछ नहीं किया, चलो हम मानते हैं जी हमने तो कुछ नहीं किया, हम घर में बड़ा AC करके बैठे हुए हैं, AC ऑन करके बैठे हुए हैं। आप तो दावा करते हैं आपने ख़वातीन के लिए बड़ा काम किया है, आप तो दावा करते हैं, आप तो पैसे बटोरते हैं लोगों से कि ख़वातीन को जाके हम हेल्प आउट कर रहे हैं, उनके लिए चीज़ें कर रहे हैं, वो कहाँ काम है? वो आपने सिर्फ शहरों में ही काम किया, वो असल जहाँ काम, शहरों की तो फिर भी लाइफ बड़ी अच्छी थी, बड़ी ईजी थी, लेकिन आपने वो काम वहाँ क्यों नहीं किया जहाँ ज़रूरत थी? कभी नज़र से गुजरी ऐसी चीज़ें? देखें, जैसे अभी इन्होंने कहा कि ऐसे गांव डिस्कवर हुए कोविड में, तो ये तो बहुत अच्छी, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और इंसान ऐसी नॉलेज से सीखता है। अगर इस तरह के गांव कोई नोटिस में आए तो ये हम सब लोगों के लिए बड़ी अच्छी गाइडलाइन है, इसको रिपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट सेक्टर में, ताकि लोग वहाँ जाके काम करें, उन लोगों की हेल्प करें, क्योंकि वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। और देखें, बहुत सारे इलाके, अब क्योंकि मेरा तो मेडिकल से ताल्लुक़ है, हम लोगों के यहाँ तो गवर्नमेंट ने और आम लोगों ने भी बहुत इंटीरियर में जाके काम करते हैं, वहाँ पे कैंप्स लगते हैं, वहाँ पे डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ पे लोगों के घरों में जाके पोलियो, देखें अब गवर्नमेंट लेवल पे अगर आप देखें, घरों में जाके पोलियो वैक्सीनेशन की गई है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोविड की वैक्सीनेशन आपको अवेलेबल है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब जैसे घरों में जाकर लोग कर रहे हैं, अब ये सब यहीं के ही लोग हैं, शहरों के ही लोग हैं ये सारा, या वहाँ के लोगों को हायर किया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे से उन मोहल्लों को समझते हैं, लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, जब वो दरवाजा नॉक करते हैं तो वो बाहर निकल के अपने बच्चे को पोलियो पिला सकते हैं, वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो काम तो बड़े लेवल पे हो रहा है, लेकिन देखिए हर जगह कुछ थोड़े, हर एक आदमी को वही बात है, इंडिविजुअली जरूरत है, इन सब लोगों के साथ हमें हाथ से हाथ पकड़ के काम करना है, मिलकर अकेला आदमी कोई काम नहीं कर सकता। बेशक ऐसे ही है। अच्छा, आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से, जैसे अभी हम लोग यहाँ मौजूद हैं, हम गाँव की औरतों की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि मेरा प्रोफेशन है न्यूरो मस्कुलर, तो हम जो औरतों के मसाइल हैं बहुत ज्यादा गांव में, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, घुटनों का दर्द है, सुबह उठती हैं तो उनकी एड़ी में दर्द होता है, इसके लिए हम थोड़ा सा उनको गाइडलाइन कर देना चाहूंगी मैं जी, तो जी। इसमें यह है कि देखें, एक तो जितनी भी औरतें हैं, सबसे पहले तो अपना वेट जो है उसको कंट्रोल करें, क्योंकि हमारे यहाँ वजन के ऊपर बिल्कुल भी मतलब औरतें नहीं तवज्जा देती, प्रेगनेंसी हुई, डिलीवरी हुई, उसके बाद छोड़ देती हैं अपने आप को कि हमने कौन सा कोई मॉडलिंग करनी है या हमने कौन सी नौकरी करनी है, ये कॉन्सेप्ट होता है कुछ लोगों का ना, लेकिन हमने अपना वजन कम करना है सेहतमंद रहने के लिए। अगर आपका वजन ज्यादा होगा, आपको शुगर, सबसे बड़ा जो टाइप 2 शुगर है वो मोटापे की वजह से होती है, जब आपका वेट ज्यादा होगा तो आपकी शुगर होगी तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपको हार्ट अटैक के चांसेस हैं, आपको फालिज के चांसेस हैं, और दूसरी चीज़ यह है कि अपना विटामिन D3 का लेवल मेंटेन रखें। देखिए, ये चीज़ें रखने के लिए किसी बड़ी महंगी दवाओं की ज़रूरत नहीं होती, सबसे अहम सोर्स जो है वो धूप है, गाँव में धूप अवेलेबल है, आप ऐसा कर सकते हैं कि 12 बजे से पहले और 4 बजे के बाद की धूप जो है वो आप तकरीबन जो है 15 मिनट 20 मिनट की जो है वो धूप आप लें, इससे आपका विटामिन D3 लेवल काफ़ी हद तक मेंटेन होगा, क्योंकि अगर D3 पूरा नहीं होगा तो आप जो कैल्शियम खाते हैं, दूध पीते हैं, दही खाते हैं, वो कैल्शियम आपकी हड्डियों में नहीं जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि अपना D3, उसके अलावा सब्ज पत्तों वाली सब्जियाँ आप लें, सब्ज पत्तों वाली सब्जियाँ बड़ी मिकदार में होती हैं, आपने देखा होगा, वो लें, और सीजनल फ्रूट्स लें, जैसे कि आजकल है कीनू, मौसम्बी, ये सारी चीज़ें जो है ये आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाए। पानी जो है कम से कम 10 से 12 ग्लास पिए, जिससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज होता है। उसके अलावा गांव में रिसेंट रिसर्च मैंने कहीं पढ़ी कि हम जो 8-10
ग्लास पानी के पीते हैं, वो कहीं मैंने पढ़ा कि डैट इज़ मोर देन इनफ, मतलब उससे ज़्यादा अगर हमने सोचा, क्योंकि हमारे पास यही होता है ना कि हम अच्छे स्किन अच्छी हो जाएगी या पानी पियेंगे तो भूख कम लगेगी जो लोग डाइट करते हैं, लेकिन कहीं मैंने पढ़ा कि 7 से 8 ग्लास से ऊपर जब आप करते हैं तो वो आजकल की स्टडी के हिसाब से कि वो आपकी सेहत को मज़ीद नुकसान पहुँचा रहा है। ऐसा नहीं होता, देखिए हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है वो बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है। अगर कोई चीज़ आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गई तो वो निकल जाती है, कोई चीज़ कम है तो आपको ऐसी साइन सिम्टम्स होंगी कि उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आपका पानी आपकी बॉडी में पूरा हो गया, पूरा होने से मतलब ये पानी, क्योंकि हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है, हमारे ब्लड का कॉन्टेंट है वाटर, तो पानी हमारी बॉडी में और किडनी मुस्तकिल रिसाइकल हो रहे होते हैं, फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है पानी। और अगर आपकी बॉडी में आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा पानी होता है तो वो आपकी बॉडी निकाल देती है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक फैक्ट्री बनाई हुई है जो ये चीज़ें जज कर रही होती है, स्केल होता है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो गई उसको, अब कैल्शियम जो है हमारे किडनी कैल्शियम को निकलने नहीं देते, रिसाइकल करते हैं ताकि कैल्शियम हमारी बॉडी का मेंटेन रहे। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियाँ, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे किडनी के ऊपर इतना लोड पड़ता है कि वो यूरिन में आने लगता है। शुगर जैसे हमारे, हम टेस्ट करते हैं जब यूरिन टेस्ट करते हैं, वैसे शुगर हमारे यूरिन में नहीं आती क्योंकि किडनी उसको रिसाइकल कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी उसको यूज कर रही होती है। और आपको पता है हमारी बॉडी में 80% रिजर्व अल्लाह ताला ने रखे हैं। 80% रिजर्व का मतलब यह है कि जब हमारे लंग्स जो हम सांस लेते हैं उसमें 80% ऑक्सीजन सेफ होती है। अगर हम किसी ऐसी जगह जाएं, बंद कमरे में जाएं, तो वो सेफ ऑक्सीजन हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी में जो मतलब एनर्जी देता है वो हमारे मसल्स में, फैटी टिश्यूज में, लिवर में जमा होता है, और जब हमें ज़रूरत होती है जैसे कोई फाका हो, रोज़ा हो, तो वो यूटिलाइज हो जाता है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कोई चीज़ ज़्यादा है तो वो ठीक है, लेकिन पानी एक ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ हमारी बॉडी खुद ब खुद उसको मैनेज कर सकती है, अनटिल अनलेस कि आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखें, बॉडी हेल्दी रखें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें। ये नहीं कि आप खा रहे हैं पी रहे हैं एक जगह बैठे में, बॉडी जो बॉडी काम ही नहीं कर रही, वो चीज़ जहाँ है वहीं पड़ी है। मूवमेंट बड़ी ज़रूरी है, मूवमेंट बड़ी ज़रूरी है आपके लिए। ये एक हमेशा मैसेज हम भी बड़ा देते रहते हैं कि आप और मोबाइल रहें, इसको इन शॉर्ट कहेंगे मोबाइल रहें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको मोबिलिटी आपकी बड़ी ज़रूरी है इसमें। अच्छा यहाँ ये ज़रा मैं थोड़ा सा ये भी क्लियर इस तरफ करना चाहती हूँ कि जब हम कभी भी वेट की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि बिल्कुल ही वो जो मॉडल फिगर होता है वेट कम करना वो होता है। ऑल्दो ऐसा नहीं होता कि हम उस वेट की बात कर रहे हैं जो ओवर वेट होता है, जो आपसे उठाया नहीं जा रहा, आप चल रहे हैं, आपकी सांस फूल रही है, आपके घुटों में दर्द हो रहा है। अक्सर जब वेट बढ़ता है सबसे पहले यही चीज़ें साइंस आती हैं, तो ये साइंस जब आपको आना शुरू हो जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए। अदरवाइज जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो खैर आपको पता है जो आपकी जो BMI स्केल बॉडी मास इंडेक्स जो है उसके उसमें वेट और आपकी हाइट के हिसाब से वेट होता वो है। वो तो खैर वो आपने कैलकुलेट, अगर आपका 30 से ज्यादा BMI है तो आप ओबेसिटी या बीमारी की तरफ आते हैं, हार्ट अटैक हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है। तो मोटापा इटसेल्फ अगर है तो वो आपके लिए एक बीमारी है, एक बीमारी का बायस बनता है। तो आप लोगों को कोशिश यही करनी चाहिए, देखिए खाने में सबसे ज़्यादा फाइबर आप अपनी डाइट में शामिल करें। फाइबर्स जो हैं वो आपका डाइजेशन अच्छा करते हैं। फाइबर जैसे आपको होल वीट है, होल वीट जैसे जो चक्की का आटा है ये आप लें, आप सब्जियां लें, आप फल लें, ये सारी चीज़ें जो है फुल ऑफ फाइबर से होती हैं। इससे आपका निज़ाम अगर सही होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आपका जो आपने खाया जो बेनिफिशियल चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी पर लगेंगी, जो मतलब जो यूज़ की नहीं है वो आपकी एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। अल्लाह ताला ने तो बाकायदा बड़ा अच्छा इंतजाम करा है, हम थोड़ी सी अपनी लापरवाहियों की वजह से उस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये चीजें हैं और ये हम सब शामिल हैं, जो हमारे पास जो फास्ट फूड आ गए, जो हमारे पास रीयूज हो रहा है, वो सब शामिल है, हम उसमें ही शामिल। अच्छा लेकिन यहाँ डॉक्टर साहिबा की बात को कंक्लूड करते हुए मैं ये कहूंगी कि ये बातें सुनने के लिए, समझने के लिए कराची पाकिस्तान के वो बड़े शहर जो एजुकेटेड लोगों से हैं, और लिटरेसी रेट पाकिस्तान में कम बहुत है, और वो जिन गांव देहातों की इस वक्त हम बात कर रहे हैं वहाँ तो उन्हें पता ही नहीं है कि विटामिंस क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो घर से निकलकर उनके पास जाके उनकी फैमिली के मर्दों के बीच बैठ के उन्हें मोटिवेट करना है। बिल्कुल, जब वो एजुकेट होंगी तो फिर उन्हें पता चलेगा कि किस तरह वो अपना वज़न कम कर सकती है और किस तरह वो डाइट में
वाइटामिंस लेंगी, कब फाइबर लेंगी और कब जो है वो फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, लेकिन देखिए जब पहले की बात अगर देखें, जब इतनी अवेयरनेस नहीं भी थी, रेडियो हमारे तो एफएम से भी हम लोग करते हैं इसीलिए कि वो सस्ता है तरीका, लेकिन ये देखें पहले गांव की जो औरतें थी वो बाकायदा घर की डाइट पे करती थी, उनमें सब्जियां शामिल होती थी, फ्रूट होता था, चक्की के आटे का खाना खाती थी, तो उन लोगों को ऑलरेडी हमसे ज़्यादा अवेयरनेस थी। ये हम लोगों ने उनको बिगाड़ा है जंक फूड्स दिखा के टीवी पे, एड्स दिखा के, बर्गर और वो लोग बहुत अच्छी डाइट ले रहे थे, हम लोग भी गाँव खाना पकाएं, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, वो आपकी बॉडी में जमता नहीं है। मैं आपको अपना बताती हूँ, मेरी जो ससुराल है, मेरी इन-लॉज जो है, उनके जो सारे बुजुर्ग है वो बेसिकली पंजाब में गाँव में रहते हैं, उनके यहाँ जो है ना वो हर दिन साग पालक मटर आलू गोभी, क्या याद दिला रही है, सर्दियां आ गई, साग नहीं खाया आपने, क्या गोश्त का कॉन्सेप्ट नहीं होता, सही महंगा भी हो गया वैसे। टाइम दिया ब्रेक का, था सब लगा दिया मैंने ब्रेक का पे। जी वेलकम बैक, कई गालियों के कंटिन्यू कयूँ था, कोर्स सा रिव्यू गालियूँ आई जो कि मैं शामिल करना चाहें थी प्रोग्राम में। यहाँ जी थोड़ा सा मैं आती हूँ, नवी साहब आपकी तरफ आती हूँ कि ये जो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट हुई है कि जी 5% ख़वातीन को जॉब्स दी जाएंगी और बाकी परसेंटेज जो है वो मर्दों को जॉब दी जाएगी, तो हमारे पास तो 51% ख़वातीन है, तो बाकी कहाँ जाएंगी? यह गवर्नमेंट का ऐलान हुआ कि 5% औरतों को नौकरी दी जाएगी, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आगे भी फिर इंशाल्लाह ताला बढ़ते रहेगी। अब आप इसके अलावा भी कराची के कितने मसले मसाइल हैं, अब आप देख लें गैस का कितना बड़ा मसला है, इसके अलावा पानी का कितना बड़ा मसला है, इसके अलावा आप ट्रांसपोर्ट का देख लें आप कितना बड़ा मसला है, इसके अलावा स्ट्रीट क्राइम का कितना बड़ा मसला है, और कराची के साथ तो हमेशा ही नाइंसाफ़ी हो रही है। कराची में हम बात कर रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है, हम मैं जिस शहर में रहता हूँ मैं कराची में रहता हूँ और इसी कराची में मेरे मतलब वालिद वाले आए बड़े, हम यहीं बड़े हुए और हमें इसी कराची ने सब कुछ दिया, इसी सिंध ने हमें सब कुछ दिया। आज हम हमारे घरों में गैस नहीं है, आज हमारे घरों में पेट्रोल नहीं मिल रहा हम लोगों को, हमें पानी नहीं मिल रहा, हम मोबाइल लेके निकलते हैं जिसका दिल करता है हमसे आके ले जाता है, हम घरों में सेफ नहीं है, हम जाएं तो जाएं किधर। हमने हमेशा कराची के हकूक की बात की है, जिसका पेट भरा होता है ना उसे टेंशन नहीं होती, उसकी गाड़ी भी छिन जाए तो दूसरी गाड़ी ले लेगा, ठीक है। 2001 से 2005 तक नेमतुल्ला खान मेहर थे कराची के, उन्होंने काम करके दिखाया। मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ कि पेट भरे हुए बंदे को भूख नहीं लगती, मगर एक बंदा सुबह उठता है रोज़ी के लिए निकलता है और वो 1000 रुपये दिहाड़ी करता है और उसके घर में जब गैस नहीं होती और उसके घर में जब पानी नहीं आ रहा तो उस पर क्या गुजर रही होती है, और जब एक एक रुपये जोड़ कर मोबाइल लेता है और उसे छिन जाता है तो उस पर क्या गुजरती है, बिलाल नासिर के घर वालों पर क्या गुजरी होगी, कोरंगी में 3 लोग शहीद कर दिए गए उन पर क्या गुजरी होगी। कराची शहर में आजकल जीना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, आप अपनी चीज़ की सेफ्टी नहीं कर सकते। और पिछले दिनों तो आई रिमेम्बर कुरंगी का जो ये जो क्रॉसवे बनाया हुआ है और वो जब 2-3 रास्ते हैं कुरंगी जाने के लिए, उसको कोई काम वाम हो रहा था, कुछ हो रहा था वो इस सैलाब के चक्कर में, तो वहाँ एक ही रोड था और वहाँ से भी न्यूज़ ये आ रही थी कि किसी एक को एक रात ऐसी गुजरी थी जहाँ किसी रात किसी गाड़ी को खाली नहीं छोड़ा गया था, एवरी कार वॉज स्नैश्ड, एवरी सिंगल कार। तो ये बड़ी हकायक हैं और इन हकायक से कोई जो है वो देख के, मैं नौजवान की बात करूँगा, मैं खुद भी इत्तेफाक़न नौजवान ही हूँ, बात इत्तेफाक़ नहीं मतलब इस टाइम पर, ठीक है जी, मैं पूरे ज़िला मलिर में कोई इत्तेफाक़ है चले जिला मरीज, ये अच्छी 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 बातें, प्यारी प्यारी बातें होनी चाहिए, चले तभी इंसान का बीपी मेंटेन रहता है, मतलब ऐसी बातें सुन के पता नहीं कहाँ चले जाएंगे हम। जिला मलिर में यूनिवर्सिटी नहीं है, मैं जिस जिला मलिर से रिलेटिव हूँ, जिला मलिर में कोई हॉस्पिटल नहीं है, अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो उसे जना अस्पताल लाना पड़ता है, 1 घंटे का सफर है हमारे लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का आप सबसे ज्यादा कितना बड़ा मसला है पूरी कराची में, हमारी माई बहनें चिंचू में जाती है, जिनके पास गाड़ी अवेलेबल है
वो गाड़ियों में जाते हैं, और जिनकी हैसियत नहीं है वो चिंचियों में जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्राउंड नहीं है, पूरे ज़िला मलिर में 3 से 4 ग्राउंड हैं। फिर नौजवान नशे की तरफ कैसे नहीं आए? अब जो नई नौजवान नस्ल आ रही है वो गलत कामों में क्यों जा रही है? वो इसी वजह से तो जा रही है कि जब उनके पास पैसा नहीं होगा वो तो गलत तरीके से कमाएंगे, जब उनके घर में टेंशन होगी तो गलत तरीके से नशा करके अपने आप को रिलैक्स करेंगे। जमात इस्लामी हमेशा इन लोगों को अपनी तरफ खींचती है, किसी न किसी काम में इनको मसरूफ़ रखती है। हम कराची की हकूक की बात क्यों कर रहे हैं? हम 1941 से कराची की हकूक की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम कमाते भी अपने हैं खाते भी अपने हैं। मगर बात यह है कि मैं ये कहता हूँ कि नौजवानों को हक मिलना चाहिए, खोटा सिस्टम ख़त्म करना चाहिए। आप पुलिस में भर्तियाँ देख लें, कराची के बाहर के लोग भर्ती हैं, कराची का अपने लोग नहीं है। जब कराची के अपने लोग होंगे तो उन्हें एहसास होगा कि कहाँ वारदातें हो रही हैं कहाँ नहीं हो रही। हर जगह हर दिन कोई ना कोई मसला, जिसके घर पे लाश जाती है उसी को पता होता है, मुझे और आपको नहीं पता। जिसके जिससे मोबाइल छीना जाता है उसी को पता है, जिसकी माँ बहन चिंची पे जाती है उसी को इलम है कि मसाइल क्या हैं, जिसके घर में गैस नहीं है उसी को पता है कि मसाइल क्या हैं, जिसके घर में पानी नहीं है उसी को पता है कि मसाइल क्या हैं। हम हमेशा इसलिए कराची के हकूक की बात करते हैं। मैंने बात की पाकिस्तान की दिवालिये की, मैं ये नहीं कह रहा, ये जो हमारे बड़े कह रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे यही चल रहा है। अल्लाह पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, ठीक है। पाकिस्तान ने हमें इज्जत दी, इसमें चारों कौमों के लोग रहते हैं। कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, मगर कराची का हाल तो देखें। आप अभी प्रोग्राम में आ रही थी, आपको 1 घंटा लगा प्रोग्राम में आने में पहुंचने में। ये कराची के रोडों का हाल है, कराची में, कराची जैसा बड़ा शहर जो ये जरा मैं क्लियर कर दूं, ये कराची के रोडों पे तो जाएंगे हम या ना जाएंगे, ये हमारे स्टेडियम के ब्लॉकेज का हाल है। वैसे ये मैं हमेशा इसी बात पे कहती हूँ कि बड़ी अच्छी बात है आपके पास टीम्स आती हैं, आप उनको प्रोटोकॉल देते हैं, आप उनके लिए, ये उनकी रिस्पेक्ट ही है ना कि आप उनकी सिक्योरिटी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं कहती हूँ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जो आम आवाम है उनके लिए अल्टरनेटिव्स भी होने चाहिए, मतलब आदल रास्ता रखना चाहिए ना, चाहिए बिल्कुल। और अगर नहीं रखेंगे तो फिर यही होगा कि हम जो 15 मिनट का सफ़र है वो 1.5 घंटे में तय करेंगे। तो वक्त बड़ी कीमती चीज़ है, और वो सबके लिए, सिर्फ उस प्लेयर के लिए नहीं है जो आपके पास आया है, वो सबके लिए है। तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव ज़रूर होने चाहिए, चाहे आप कितनी भी सिक्योरिटी दें, बड़ी बड़ी अच्छी बात है। और हम हमारी तो वैसे भी सिंध जो है वो मेहमान नवाजी से जाना जाता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऑल्टरनेटिव भी होने चाहिए लोगों के लिए। और अभी तो आगे जितने दिन मैच है पता नहीं क्या हाल होगा। खैर जरा वापस आते हैं, घर की बातें बाद में करेंगे, ज़रा वापस आते हैं हम यहाँ पर। और जैसे आपने कहा कि बहुत सारे मसाइल हैं जो हमारे पास हैं, जिसमें जो हमारी बेसिक जो नेसेसिटी है उसमें ही हम आज तक वही हम जकड़े हुए हैं, तो हम आगे क्या देखेंगे जब तक, मतलब हम... उनके कहने का ये मतलब था कि हम गांव की बात क्यों कर रहे हैं, पहले हम कराची ही को देख लें, तो जी, बहुत जी, सारे मामलात कराची के ही नहीं सुलझे हैं, तो हम गांव तक क्यों जा रहे हैं? हाँ, हम कराची को सुलझा लें। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है यहाँ पर जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं ज़रा उनको भी हमें एड्रेस करना चाहिए। जैसे शबाना साहिबा ने कहा कि हम जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो तो हम बिल्कुल डिस्कस करते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं ज़रा उन पे भी नज़र जाना चाहिए। ये जो हमारे पास जो बस सर्विसेज स्टार्ट हुई हैं, यकीन माने मुझे बड़ी खुशी हुई है कि एक इज़्ज़तदार सवारी जो हमें मिल रही है, ये हमें इसको भी हाईलाइट करना चाहिए कि जहाँ ट्रांसपोर्ट के मसले हैं जिन जगहों पर हैं बिल्कुल हैं वो सही होने चाहिए, लेकिन जहाँ हो रहे हैं हमें उनको भी देखना चाहिए। प्लस हम हमेशा जाहिर है जो कराची के रोडों का हाल है वो सबके सामने है, और अब जो काम हो रहा है ज़रा उस पर भी हमें थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे कराची में फिर भी चलो कुछ तो हो रहा है, कुछ ना होने से कुछ रहना होना बेहतर है। वो किस तरह हो रहा है जरा उस पे बाद में जाएंगे, लेकिन हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, हरकत में बरकत है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मलीर में आप कह रहे हैं कोई हॉस्पिटल ही, आई थिंक CMH हॉस्पिटल भी है, फौजी फाउंडेशन का भी हॉस्पिटल है, हमारे जो है ना हार्ट का जो हॉस्पिटल कोई भी नहीं है वहाँ पे, CMH थोड़ा आगे पड़ता है हमसे, उसे भी पहुँचने के लिए अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो हमें जना लेके जाना पड़ता है, जना हॉस्पिटल हमें लेके जाना पड़ता है। अब आपको शायद ये बात इलम में नहीं होगी कि 150 कंपनियाँ कराची शहर में बंद कर दी गई हैं, 2 लाख लोग बेरोजगार हो गए, वो कहाँ जाएंगे? कोविड में तो हर जगह ये हुआ है, ठीक है, नहीं ये बिल्कुल ये पूरी दुनिया में सब कुछ बंद हुआ है आपको, ठीक है। और दूसरी आपको मैं बात बताऊँ कि ये नौजवान फिर किस तरफ जाएंगे? हाँ, ये नौजवान लाजमी गलत कामों में जाएंगे, चोरियाँ डकैतियाँ करेंगे और क्या करेंगे? और जिस घर में लाश जाती है उसी को पता होता है कि मेरे साथ क्या हुआ है।
बिल्कुल ऐसे बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसमें हम घिरे हुए हैं, और उन्हीं मसाइल में से एक मसाइल हमारे खवातीन के इश्यूज़ हैं जिन पे आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली उस खवातीन को हम देख रहे हैं जो खवातीन अपने लिए ख़ुद नहीं बोल सकती। जैसे हम यहाँ हमारे पास मसाइल होते हैं, आपने कहा कि हम पहले कराची को देख लें, कराची के लिए हमारे पास बोलने वाले बहुत हैं। मैं उस मखसूस औरत पे नज़र डालना चाहती हूँ कि जो बेचारी, उसको पता ही नहीं है कि मैंने बोलना क्या है, कि मेरा हुकूक क्या है, उनकी आवाज़ बनना है, उनकी आवाज़ बन उनको, और शायद उनको पता ही नहीं है कि आवाज़ उठानी भी होती है, उनको शायद ये भी नहीं समझ है कि अच्छा मुझे बोलना भी होता है। आप क्योंकि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, तो ज़रा सा मैं इस तरफ भी आना चाहूँगी कि बड़ी सारी डेथ्स हैं जो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ हमें नज़र आती हैं, उसके रीज़न बहुत ज़्यादा हैं, यंग मैरिजेस भी हैं, उसके बाद ड्यूरिंग डेफिशिएंसीज हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिस तरह हमारी खवातीन काम करती हैं वो हैं, फिर आपके पास एजुकेशन नहीं है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको जो चेकअप कैसे हो सकता है, या आपको कौन सी चीज़ें खानी है कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, ये अवेयरनेस नहीं है हमारे पास। जैसे आपने कहा, मुझे पता ही नहीं खाना क्या है, जो आता है खा लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सतह पर हो या हम प्राइवेटली, क्या हम कुछ काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए? देखिए, जो गवर्नमेंट के भी आपने देखा होगा हेल्थ वर्कर घर घर जाके, और जो फीमेल्स को लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन देती हैं, उनको वैक्सीनेशन का बताते हैं, उनको डाइट के बारे में बताते हैं, काम होता है, लेकिन ये है कि उसका चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि अब लोगों को तो अपॉइंट किया जाता है कि वो जाके उनको चेक करना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने कितने एरिए को कब कवर किया, और फिर उसकी मंथली रिपोर्ट फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ काम की शुरुआत होती है, काम का पता भी है क्या करना है किस एरिया में करना है, लेकिन उसका चेक एंड बैलेंस नहीं होता कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको चेक किया जाए, उनसे उनकी रिपोर्ट्स ली जाएं, और उसका पूरा डेटा कलेक्शन होना चाहिए कि कितने लोगों को किया, फिर उसको फॉलोअप करें, फिर आप उन लोगों के पास जाके पूछें। और ये बहुत ज़रूरी है जब हमने औरतों की, जैसे आप बात कर रही हैं स्पेशली, क्योंकि बहुत सारे मसाइल तो छोटे छोटे तो हैं, लेकिन मेनली जैसे डिलीवरी का है, प्रेगनेंसी का है, उसमें औरतों को ये नॉलेज ही नहीं होती कि उन्हें इतने अरसे के बाद चेकअप करना है। अगर खुदा ना खास्ता उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है या कोई डेफ बी कॉम्प्लेक्स है, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उनकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, प्रोलॉन्ग लेबर हो जाता है, प्रोलॉन्ग लेबर। अब आपका हॉस्पिटल में, वहाँ सॉरी गांव में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको ऑपरेट कर सके, या डिफरेंट टाइप की फॉरसेप डिलीवरी या किस तरह करनी है, तो उनके पास है ही नहीं ये सहूलत, तो उसमें बेबी की जान को खतरा होता है। और अगर बच्चा बच भी जाता है प्रोलॉन्ग लेबर से, मेंटल रिटार्डेशन और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो मतलब ये चीज़ तो ऐसी है कि किसी एक जान को बचाने के लिए, एक नहीं बल्कि दो, आने वाली जान भी और माँ की जान भी, और उसके साथ साथ एक माँ पूरी फैमिली को पार, अल्लाह ना करे अगर माँ को कुछ हो जाए तो बाकी बच्चे भी नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल, इसके लिए तो हमें बिल्कुल सीरियसली सोचना चाहिए, और ये इस पर हमें इक्तफा नहीं करना चाहिए कि सिर्फ डॉक्टर्स या पैरामेडिकल करे, हर आदमी को अपना ये मिशन बनाना चाहिए कि हेल्थ अवेयरनेस सेशन या जो जो चीज़ें नॉलेजेबल हैं वो लोगों तक ट्रांसफर करें। सही, ठीक है। अच्छा, साथ साथ हमारे पास एक बिजनेस वुमन भी बैठी हुई है, तो ज़रा मैं उस बिज़नेस की तरफ भी नज़र डालूंगी, पर टाइम थे ब्रेक, जो बिज़नेस हमारी वो खवातीन दे रही हैं हमें, ज़रा इस पे इसके तरीके पे भी बात करेंगे, पर टाइम थे ब्रेक। जो नाज़रीन तहा से मुलाकात की, नंदी कमर्शियल ब्रेक का हुए। जी, वेलकम बैक। कई हिते थोड़ो सो मां उन तरफ भी नज़र विझण चाहियां थी, जेका असांजी उहा औरत आहे जेका कम खूबसूरती सां करे थी, ऐं ख़बर न की शायद वो कुदरती खुदा और हथ में वो जादू रखियो आहे जेको करे थी, पर उन कम जी वैल्यू आ नथी ॼाणे। आपकी तरफ मैं आऊँगी तस्वीर साहिब, आपसे ज़रा मैं पूछूँगी कि क्या किस तरह समझती हैं कि उन औरतों के लिए जो हम, तो एक तो मिडिल पर्सन हमें नज़र आ रहा होता है ना, तो वो तो एक अलग ही कहानी है। हमारी लोगों ने बड़ा कोशिश की है कि किसी तरह उस मिडिल मैन को ख़त्म किया जाए, लेकिन आज भी हमारे पास वो लोग हैं जो उन औरतों तक ये बात नहीं पहुँचाते कि वो जो काम कर रही हैं वो कि उसकी वैल्यू क्या है। किस तरह समझती हैं, किस तरह उसको प्रोसेस में लेके जाना चाहिए?
देखिए जहाँ ये सबसे बड़ा मसला जो होता है ना, सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ के इंटीरियर, चाहे सिंध हो या पंजाब है या केपी के है, कहीं की भी ख़वातीन जो हमारी बड़ी हुनरमंद ख़वातीन है, अब आप इसको ही देख लीजिए, ये जो मैंने लिया है ये भी किसी खातून नहीं बनाया, ठीक है ना। सिंपल इज़ दैट कि होता यह है कि वो बहुत मामूली सी उजरत पर इतना हसीन काम करके दे देती हैं, जिनको सॉरी टू से माजरत के साथ जो बड़ी डिज़ाइनर्स ख़वातीन बैठी हुई होती हैं या मेल डिज़ाइनर्स बैठे हुए होते हैं, वो उनसे कम उजरत में लेकर आते हैं और उसको अपनी डिज़ाइनिंग, अपनी क्रिएशन कह के मार्केट में ओन करते हैं और सेल आउट कर देते हैं। जी, तो इसके लिए फिर वही बात आ जाती है, स्टार्ट से लाएंगे कि पहले आप उन ख़वातीन को मोटिवेट करें, उनको बेसिक एजुकेशन दें, बीच से मिडिल मैन निकालें। हर औरत अपनी ज़ात में एक खुद इंडिविजुअल बॉस होनी चाहिए। सही सही, हर औरत खुद एक बॉस बने और खुद ही वो आपसे रابطہ करे और खुद बताए कि ये मेरा काम है। तो ये जो नाइंसाफी का अमल एक मेरे ख्याल से पार्टीशन के बाद से ही चल रहा होगा, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे कि वो खूबसूरत कच्चे टाके के काम है, शेडो वर्क है, चिकनकारी है, ये काम इतने एक्सपेंसिव बिकते हैं इस वक्त, इंटरनेशनल भी सेल आउट होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं। तो उनके पीछे जो लोग हैं, मैं कहती हूँ उनको आगे लाओ, भले उसके लिए आपको फिर वही बात होगी कि हम बैग डालें, जॉगर्स पहने और इंडिविजुअली विजिट करें उनके घरों पर, जहाँ वो अड्डे के बगैर काम करती है, यहाँ तो अड्डा लगता है, अड्डे पे काम किया है, वो उनके घरों को विजिट करें और देखें कि वो किस तरह बगैर लाइट के, लालटेन की रोशनी में उस काम को करके आपको पहुंचाती हैं, उसके बाद आप उसको अपना ब्रांड बना के आप निकाल देते हैं। हाँ जी, तो उनको आगे लाए। सही सही, और बड़े लोग हैं जो इस चीज़ पे हमें काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे पास वो लोग हैं जिनको कहा जाए कि जी उन ख़वातीन से मिलना है, तो वो उनका सामने जो आप तो जा ही नहीं सकती, आप तो जा ही नहीं, आप नहीं पहुंच सकती, वो जगह ऐसी है आप नहीं पहुंच सकती, नहीं पहुंच तो सकती। मेरा हमेशा इख्तलाफात रहते हैं उन लोगों से कि जी हम पहुंचे ना पहुंचे, आप पहुंचाएं तो सही, आप उसके बाद देखा जाएगा। वो एक्चुअली बीच में वो जिस एनजीओ के थ्रू आती है ना, वो फिर सारा क्रेडिट माजरत के साथ, मुझे नहीं पता कि कभी बाज़ दफ़ा अल्फाज मुंह के बुरे भी लग जाते हैं लोगों को, तो वो जो बीच में आते हैं ना लुक आफ्टर करने वाले, वो सारा क्रेडिट वो ले जाते हैं, वो बेचारी तो वहीं खड़ी है, बिल्कुल माई भागी तो वहीं खड़ी है ना, बिल्कुल नोबडी नोज हु इज माई भागी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो काम किसका चल रहा है, जिसने बीच में आके मिडल मैन बन के एनजीओ ने काम किया, हाँ था। वो हाँ वो ऊपर आ रहा है, वो तो बेचारी कहीं नहीं है और उसको पता ही नहीं है, वो आज भी 50 रुपए दे के एक दुपट्टा बना देती है और उसका वही दुपट्टा 20,000 में सेल आउट हो रहा था। तो मैं कहती हूँ कम से कम आप उसको इतनी उजरत तो दो। सही बात है, वो आज भी गाना गा के सहन में बैठ के कच्चे टाके लगा रही होती है। तो मैं इस नाइंसाफी को ख़त्म करने के लिए काम करना चाहती हूँ और कर रही हूँ, कोशिश है मेरी, लेकिन कराची माशाल्लाह बहुत बड़ा है, पाकिस्तान बहुत बड़ा है, इसके एक एक सूबे में जाना, इंडिविजुअली सर्वे करना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। बिल्कुल, बट जहाँ से जागो वहीं से सवेरा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, और ऐसे इंसान ढूंढने को निकलेगा तो ही रोशनी ज़्यादा होगी, तो ही रोशनी। ऐसे ऐसे अगर आप यहीं बैठ के आप सोचेंगे कि नहीं जी जाएंगे तो इतना लंबा एक तवील सफ़र है, कैसे तय होगा, आप शुरुआत तो करें, देखा जाएगा। इसमें लोगों को दिल बड़ा करना होगा, जो डिज़ाइनर्स बैठे हैं या जो एक आम औरत भी अपना बुटीक बनाती है उसको अपना दिल बड़ा करना होगा, उसे अब उसको स्पेस देनी होगी, उसे ये दिखाना है कि ये बिहाइंड द स्क्रीन है। अब जैसे मैं कैलीग्राफी करती हूँ ज्वेलरी पे, ठीक है ना, ये एक यूनिक काम है, तो मैं कोई कारीगर तो नहीं हूँ, मैं फैक्ट्री में जाके वो कारीगरी तो नहीं करती हूँ ना, मैंने तो जस्ट नेट पे, कंप्यूटर पे और पेपर पे डिज़ाइन बना के उसे दे दिया कलमे का। अब कारीगर जाता है और वो अपना पसीना देकर, वो धूप में, गर्मी में अपने आप को जलाकर, वो तेज़ाब की स्मेल को बर्दाश्त करके उसको जो है निकालता है। सही सही, और ये वो कारीगरी होता है बेसिकली, मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी वजह से आपका बिजनेस चल रहा होता है। जी बिल्कुल, तो उस कारीगर को अपनी उजरत मिलना बड़ा ज़रूरी है। और काफ़ी लोग ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी लोगों की थिंकिंग, सारी लोगों की थिंकिंग ऐसी है, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो काम करना भी चाहते हैं, लेकिन वही बात कि वो जो मिडिल पर्सन होता है वो ये यकीन दहानी कराते हैं कि नहीं जी इनके पास तो ऐसा ही होगा, लेकिन वो पता चलता है कि जी वो ना वो यहाँ का रहता है तो ना वो वहाँ का रहता है। तो बड़ा ज़रूरी है
हर इंडिविजुअल को जिसकी पहुंच है वो खुद जाए, बजाय इसके कि आप किसी के सुपुर्द कर देंगे, अच्छा ठीक है ये इनको आप यहाँ पहुंचा दीजिएगा या वहाँ पहुंचा दीजिएगा, वो पहुंचने से पहले खाली हो जाता है, वो पहुंचते पहुंचते खाली होता जाता है, बचता ही नहीं। कराची में आपने देखा है ना पानी का बड़ा मसला, आप कह रहे थे टैंकर जो चलते हैं वो देखा ना पीछे आपने पानी बहता रहता है, तो पता नहीं कितने का पानी आपने डलवाया होता है, जब तक वो डेढ़ घंटे के बाद पहुँचता है वो आधा टैंकर हो चुका होता है। तो ये भी ऐसे ही है कि आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो अपने हाथ आप अपने हाथ से खुद करें, वरना वो हेल्प पहुंचती वो कोई 1-2% ही रह जाती है। आखिर में जी आप सबसे, मैं क्योंकि प्रोग्राम में हमने बहुत सारी ऐसी बातें शामिल की जो जो बड़ी ज़रूरी थी इस वक्त की, इन वक्त जिला इलाही ज़रूरी हुई इन बारे में गलहड़ इन बारे में तहाँ तई अल्फाज पहुँचाएँ। आखिर में जी तहाँ सबनी जो अल्फाज प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए, नवीद साहब आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या समझते हैं कि आप अभी हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारी जो यूथ है, उनको क्या मैसेज देना चाहिए इस टाइम पर? मेरा यूथ के लिए यही मैसेज है कि आप गलत काम नहीं करें, चोरी और डकैती वगैरह से आप दूर रहें और कराची की हकूक की बात करें। थैंक यू सो मच। अच्छा इस हिन्न तरफ भी माइंडम आपकी तरफ भी आती हूँ शबाना साहब, आपसे कुछ अल्फाज हमारी हमारी उन तमाम औरतों के लिए जो शायद कहीं कोई देख रही हो, या शायद कोई ऐसी औरत हो जो वहाँ काम करना चाहती हो और वो वहाँ पहुँच सकती हो और वो जाके आपके अल्फाज उन औरतों तक पहुँचाए। देखिए एक तो सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि हम औरतों की एजुकेशन की बात करते हैं लेकिन उसके से ज़्यादा ज़रूरत है हमें मर्द उनके मर्दों की एजुकेशन की। अगर हम उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट करें, मर्दों को समझाएं, तो आई थिंक के मर्द जो हैं वो उनको फैसिलिटेट करेंगे, जैसे जो मिडल मैन फ़ायदा उठा रहा है तो वो कम उठा सकेगा। और बस हम सबको मिल के एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलना है, बजाय इसके कि हम ब्लेम गेम खेलें कि ये मर्द ख़राब है या औरत ख़राब है, मर्द को भी एजुकेट करना है, वो अपनी औरतों का साथ दें। और आप ये देखिएगा हमारे दिए हुए इस पैगाम पे अगर आप अमल करके देखें तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप बहुत आगे निकल सकेंगे। एक छोटा सा शेर है, डरा तो मैं भी बहुत था फासला देखकर, डरा तो मैं भी बहुत था फासला देखकर, मंजिल सामने आती गई मेरा हौसला देखकर। वाह वाह जबरदस्त जबरदस्त, ये हौसला सबके अंदर होना चाहिए। आपके कुछ अल्फाज? मेरे अल्फाज यही हैं कि हर इंसान को अपना हिस्सा डालना चाहिए, हमें दूसरों का वेट नहीं करना चाहिए। एक्चुअली हम लाइन की स्टार्टअप का वेट करते हैं, जबकि हर इंसान बीइंग अ पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, सिंध की बेटी हूँ, तो हर इंसान को अपने टाइम पर अपनी मेहनत का अपना दिया खुद रोशन करना है, अपने काम का हिस्सा खुद पूरा करना है। मुझे इंतज़ार नहीं करना कि कोई मुझे लेकर जाएगा तो मैं उस गाँव तक जाऊँगी। बड़ी अच्छी बात की आपने, बहुत खूबसूरत बात की। आई आखिर में शायद उन्होंने औरतुन जिला कुछ अल्फाज शायद असा हिन प्रोग्राम में ये भी शामिल कर सकूँ था, तो सभी का पेरी जो असो लिट्रेसी रेट है इनके असें बधाण सही, जो औरत न पढ़ी रही है या जो नंढड़ी जो न्याणी जो इन वक्त शायद मुझे ऐसी न सके, शायद मुझे बुध न सके, पर जर को दिलवारो बुधे तो उन तो जी जरूरी है इन वक्त अस तमाम औरतुन के पढ़ाएँ बेसिक असिटी डिज़ाइन घट में घट उन्होंने औरतुन के मिलन खपन। आई जदे ता उन औरत के तालीम दियो था तो वो शऊर सिर्फ उन अकेली औरत ना थो वने, वो शऊर तहां जे खानदान ना थो वने, तो उन औरत जे सदके ना पंजे खानदान जे सदके पंजी औरतुन के जरूर स्पेस। थैंक यू सो मच जी आप सबका प्रोग्राम में जॉइन इन करने के लिए। इंशाल्लाह मुलाकात वरी तहां सभी प्रोग्राम में थींदी। आखिर में हाशिम भाई जवाब से शामिल कह रहा हूं, तहां से मुलाकात वरी कंदासी, तेस सां सभी के दींदा इजाजत, अल्लाह हाफिज। जी हाशिम भाई भोखे विसारण मुझे बस में ना है मां, मजबूर आया मजबूर आया धोखे विसारण मुझे बस में ना है माँ, मजबूर आया तने तो बुदाया, मजबूर आया तने तो बुदाया, धोखे विसारण मुझे बस में ना है माँ, मजबूर आया।
मजबूर आया कदे तो बुधाया, मजबूर आया कदे तो बुधाया, तोके विसारण मुझे बस में ना है, मजबूर आया तोके विसारण।